अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? आदत हो गई ना आपको मुझे देखने की? जी हाँ, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपको पता भी नहीं चलता और हो जाती हैं। बहुत सारी खवातीन मुझे मिलती हैं कि हमें तो सुबह सुबह आदत है आपको देखने की। अच्छा, ये तो चलिए बहुत अच्छी आदत है, लेकिन बहुत सारी बुरी आदतें भी हम डेवलप कर लेते हैं और हमें पता नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अक्सर बच्चों को देखा, उनका हाथ जो है वो सर में ही रहता है, हर वक्त खारिश खारिश खारिश। तो मुझे अच्छे से याद है कि मम्मा, मेरी अम्मी जो है कहती थी, बेटा बुरी बात है, इस तरह नहीं करते हाथ, लड़कियों को इस तरह नहीं करना चाहिए हाथ, बिल्कुल लड़की या लड़का जो भी हो, बुरा लगता है ना, आप सर में खारिश कर जा रहे हैं, वो उलझन होती दूसरे को। फिर किसी को आदत होती है चप 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 करके खाने की ना, मतलब लाइक जो उसके बराबर वाला बैठा होता है वो इतना अनॉय होता है उसकी वो चप 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 वाली, और उसकी आदत जो है वो बचपन से डेवलप हुई होती है, अम्मा अब्बा ने टोका रोका नहीं होता, इसीलिए वो खुद परेशान होता है कि मैं ये आदत कैसे ख़त्म करूं, क्योंकि बचपन की आदत है। फिर किसी को आदत होती है नाखून खाने की, ला वहाँ पे भी इतनी घिन आती है, उसके नाखून बेचारे के जो खाने वाला है उसके होते ही नहीं है ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल वो जो हाथ है इतने बुरे लग रहे होते हैं क्योंकि वो नाखून चबाती है या चबाता है बचपन से। और भी ऐसी बहुत सारी आदतें हैं। किसी को आदत होती है हर बात पे ताली मारने की, ताली मार मार के बात करने की, इतनी उलझन होती है। आप किसी मूड में खड़े हैं और कोई आएगा बात, ताली। हाँ, सब मैंने ऑफिस में देखा है, कलीग्स आपस में एक दूसरे को ताली मार मार के बात करते हैं तो आदत डिवेलप हो जाती है। फिर किसी को आदतन ये प्रॉब्लम है कि वो झूठ बोलता है या बोलती है, मतलब ज़रा सी चीज़ के लिए झूठ बोला जाएगा जिससे कोई ना फ़ायदा हो ना नुकसान, मगर क्योंकि आदत है तो वो झूठ बोलेंगे, और वो झूठ बोलना उस वक्त तो नहीं लेकिन आगे चलकर उसके लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि इसकी तो आदत है झूठ बोलना, इसलिए कोई उसका एतबार नहीं करता। और कोई ऐसा शख्स जिसका कोई एतबार ना किया जाए उसकी क्या वैल्यू होगी ज़िंदगी में, आप सोच सकते हैं, ना उसके घर में वैल्यू, ना उसके ख़ानदान में वैल्यू, ना उसकी ऑफिस में वैल्यू, तो बिल्कुल वो तो ज़ीरो का काम करेगा ना ज़िंदगी में। ऐसे ही बहुत सारी आदतें होती हैं इंसान की। कुछ अच्छी आदत होती है, जैसे किसी की आदत होती है हर वक्त हंसते रहना, स्माइल पास करते रहना। अच्छा, लेकिन कभी कभी इस आदत से वो फंस भी जाता है, अब्बा अम्मा डांट रहे होते हो, कहते हंस रहे हो, हंस रही हो या कोई और गुस्से से तिल मिला रहा होता है और वहाँ उसकी आदत है हंसने की तो वो हंस रहे होते हैं। तो ये आदत जो है अच्छी बुरी, ये हम सब लेकर चल रहे होते हैं। आज मैं जिस आदत की बात कर रही हूँ, आज मैं उस आदत की बात कर रही हूँ जो हम में से आजकल ज़्यादातर लोगों को हो गई है। मैंने अक्सर देखा है कि हाथ में मोबाइल, मतलब वो मोबाइल पर्स में नहीं, कहीं भी नहीं, हाथ में मोबाइल, और हर वक्त 24 घंटे 24/7 वो मोबाइल हाथ में होता है। आप किसी को तो SMS करें तो उसका जवाब आपके सवाल से पहले ही आ जाता है, ऐसा लगता है मुझे। और कुछ लोग ऐसे होते जो जवाब, जिनको आदत ही नहीं है ना मोबाइल रखने की, उनका मोबाइल कहीं इधर कोने होने में पड़ा तो उनका जवाब 3 दिन बाद आता है, उसमें सरे फहरिस्त सबा सैब सलोन वाली, वो उनके हाथ में मोबाइल नहीं रहता, मैंने नहीं देखा कभी, हमेशा उनसे कोई बात करनी होती तो उनके हस्बैंड को फ़ोन करना पड़ता है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल नहीं रहता, मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग सही उस वक्त जवाब नहीं देते, मुझे इतना गुस्सा आता है, कभी कभार कुछ ऑनलाइन देख भी लेते हैं सवाल लेकिन जवाब नहीं उनका आता, और ये बड़ी अनएथिकल बात है या आउट ऑफ एटिकेट्स है। मैं सारे अपने कलीग्स को भी कह रही हूँ और सारे वो इलेक्ट्रिशियन कारपेंटर मैकेनिक्स को भी कह रही हूँ जो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे आजकल, उनको भी कह रही हूँ। तो एक आदत जो मोबाइल की आदत है, वो सिर्फ मोबाइल हाथ में पकड़ने की आदत नहीं है, वो चैटिंग की आदत है, वो इंस्टा पे चीज़ें अपलोड करने की आदत है, वो फेसबुक और स्काइप, ये सब चीज़ें, ये आदत ऐसी बन गई है कि आपने अभी आप डिनर लंच या कहीं भी आप गेट टुगेदर में गए इंजॉय करने से पहले एक बड़े चलो सेल्फी, चलो खाने की पिक्चर, मतलब दूसरे लोग ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी उस मोबाइल के कूजे में बंद कर ली है, बजाय इसके कि आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ जाके। अगर आप नोट करेंगे तो रेस्टोरेंट में सब अपने अपने मोबाइलों पर चैटिंग कर रहे होते हैं, अपने में लगे होते हैं, तो क्यों आप एक साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं? मैंने एक रेस्टोरेंट में, नाम नहीं लूँगी, मैंने एक रेस्टोरेंट में देखा है, उन्होंने एक डब्बा ला के रखा, कहने लगे हमारा रूल है इस डब्बे के अंदर आप लोगों ने अपने मोबाइल रखने और मैं लॉक कर दूंगा, वेटर ने हमें कहा, और उसके बाद जब आप बिल दे रहे होंगे खाने का जा रहे होंगे तब मैं आपको दूंगा खोल के।
तो मैंने कहा वाह यार ये तो बड़ा अच्छा रूल है कि जब आप सारी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल हो जाएंगे लॉक तो आप एक दूसरे से बात करेंगे ना, आदत भी ख़त्म हो गई ना बात करने की, एक दूसरे से चुप चुप रहते हैं। सीरियसली कभी कभार मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं अपने बेड पे बैठी होती हूँ मोबाइल, या से सोफे पे बैठ के मोबाइल, और हम घंटों एक कमरे में बैठ के बात ही नहीं करते आपस में। बोर भी हो गए ना, इतने साल हो गए शादी को, क्या करें बातें तो इसलिए मोबाइल का सहारा लेते हैं। तो बहरहाल आज हम ये जो आदत है आपकी कि मोबाइल पे सेल्फीज खींचना, और इसी आदत ने एक बहुत ऐसा ऐप जो कि कभी कभी यूज़फुल भी है, जिसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, अगर आप इसको अच्छे से हर चीज़ की माना रवि होनी चाहिए, अगर आप इसको अच्छे से लेते हैं तो उस पर बहुत फ़ायदा भी है। बहुत सारे लोगों के करियर्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को चांसेस मिल रहे हैं आगे बढ़ने के, चाहे वो गाना गाते हैं, चाहे वो कोई भी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो उनको मौका मिलता है इस ऐप जिसको हम कहते हैं टिकटॉक के ज़रिए आगे बढ़ने का। अब आज हमने जिन टिकटॉकर्स को बुलाया है, शायद ये कोई आम लड़कियां होती, टिकटॉकर्स नहीं होती तो हम नहीं बुलाते, तो इसीलिए इनको टिकटॉकर्स बनने के बाद हमने यह मौका दिया है कि वो आएँ और उनको एज अ मॉडल हम यूज़ करें और उनसे बातें भी करें, साथ साथ जो हमारे मेकअप गुरु हैं वकार, वो उनको एक ऐसा लुक दें जिस लुक में आपने उनको कभी नहीं देखा होगा। इतने मिलियन फॉलोअर्स, पसंदीदगी जाहिर है ऑडियंस में उनकी हुई है, उनकी अपनी मेहनत की वजह से वो टिकटॉक जिस तरह बनाते हैं, उनमें जो कंटेंट डाल रहे होते हैं, जिस तरह टिकटॉक के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन आज हम उनको कुछ और तैयारी दिखाएंगे। आज हम उनको एक खूबसूरत से एक मेकओवर ब्राइडल गेटअप में आपको हम दिखाएंगे जो आपने पहले टिकटॉक पे तो कभी नहीं देखी हो, और वो भी वकार के हाथ से। तो देखिए वकार का हाथ में वो जादू है कि एक आम से चेहरे को वो ख़ास बना देता है, तो अगर ख़ास चेहरे होंगे तो और कितना खास, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इसीलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ। मज़ेदार मेकअप शो होगा, लेकिन आज के मेकअप शो में डिफरेंस ये होगा कि वकार मेकअप करेंगे और टिकटॉकर्स होंगी उनके हाथों में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रहिए हमारे साथ आज का शो इन्जॉय करने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 8 सितंबर है, 8 सितंबर को हम मना रहे हैं योम बहरिया। हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1965 की जंग में हमारे दुश्मनों ने चारों जानिब से हम पर हमला किया, जहां हमारी फ़ौज ने लाहौर और दीगर बॉर्डर्स पे दुश्मन को शिकस्त दी, जहां हमारी फ़िज़ाइया ने हमारी फ़िज़ाओं की हिफाजत की, वहीं पाक बहरिया ने भी पाकिस्तान के वसी और अरीज़ समंदर पे हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा दी और दुश्मन को शहरों की जानिब नहीं बढ़ने दिया। तो इसीलिए हम खैराज तहसीन पेश करते हैं अपनी नेवी को, अपनी पाक बहरिया को। और जी जैसे कि मैंने आपको बताया था आज हम शो पे क्या कर रहे हैं, आज बड़े दिनों बाद वकार हमारे शो पे आ रहे हैं, और वकार के बारे में मैं कहूँगी कि दूसरे मेकअप, पार्टी मेकअप, आम मेकअप तो वो बहुत अच्छे करते ही हैं, लेकिन दुल्हने भी उन्होंने एक से एक हसीन बनाई है। सबसे पहले तो मेरा इत्तेफाक होता है, उन्होंने मेरी बहन को दुल्हन बनाया था और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी अपनी शादी पे। फिर अभी अगर आप रिसेंटली मिसाल लेंगे तो इकरा को उन्होंने खूबसूरत दुल्हन बनाया, और इकरा ज़ाहिर है इतने सारे लोगों से मेकअप कराती, लेकिन उसने अपने अहम दिन के लिए वकार को चुना, तो ये इस बात का सबूत है कि वो अपने काम में कितने माहिर हैं। आज हमने कुछ ऐसा ही करना है, वो टिकटॉकर्स जिनको आप देखते हैं स्क्रीन पर मुख्तलिफ रूप में, लेकिन आज आप उनको एक नए रूप में देखेंगे और वो वकार उनका रूप डिज़ाइन करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड वकार हुसैन। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तारीफ करती है, खून बढ़ गया। मुझे तो आप हमेशा से अच्छे लगते हैं, आपको पता है। आप जब से हम नादानियाँ कर रहे होते थे, आपने जो मेरी उसकी लुक्स डिज़ाइन की, वो पहचान बन गई मेरी। तो वो आपको तो हर जिस एक्ट्रेस से भी मिलो, कोई ऐसी नहीं है जो वकार की बुराई करे, बस दुआएं। सभी खुश होते हैं, बस लकी होते हैं जिनको जब मिल जाते हैं आप। मैं कोशिश करता हूँ कि मेहनत से करूँ काम और दिल से करूँ। मुझे वैसे मेरा मेकअप जो है वो
शदीद शिद्दत वाला शौक है, तो मुझे ये खास से कभी कम होगा शौक आपका नजर भी आता है कि आपने कितनी जल्दी जल्दी मेकअप में तो आप गुरु थे, फिर आप हेयर में भी और वो इतना नेचुरल। पहले मैंने हेयर स्टाइलिंग की थी, बहुत कम लोगों को पता है कि पहले आई वाज अ हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर स्टाइलिंग के बाद में मेकअप में आया। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो ये हमें बहुत कम कम टाइम दे पाते हैं शो का, क्योंकि माशाल्लाह बिजी होते हैं सारी खूबसूरत मॉडल्स लड़कियाँ एक्ट्रेसेस जो आप कमर्शियल में देख रही होती, तो वो कमर्शियल में काफी बिजी होते हैं शूट्स में। अब तो कोशिश करता हूँ कि फिल्म्स और कमर्शियल ही ज्यादा। हाँ, फिल्मों में आपको ये सारी हसीन जो हीरोइनें नजर आती उसके पीछे वकार, हमारी भी एक फिल्म जी मैरी ने सभी उसमें तो एक्टिंग भी की थी, मैंने उसमें तो एक्टिंग भी की थी। तो वकार, आपका आज चैलेंज ये है कि आपने जो टिकटॉकर्स हैं उनको खूबसूरत, मुझे तो बहुत मजा आता है टिकटॉक देखने, मुझे लगता है कि जब मैं बहुत फ्री हूँ लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स होता है, मैं टिकटॉक जरूर देखता हूँ, है ना, एक वो लूप चल जाता है और मजा आता है कभी कभार देखने का। सही। तो आइए मैं सबसे पहली जो टिकटॉकर बुला रही हूँ मैं उनको यहाँ पे, मैंने सोचा था पहले मैं वीडियो चलाऊंगी लेकिन पहले मैं उनको बुला के उनसे मिल लूँगी फिर मैं वीडियो उनकी चलाना चाहूँगी, तो बड़ा मुश्किल नाम है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ प्रोनाउंस करने की। अतूफा तुल जन्नत, इनको वेलकम करते हैं एज अ टिकटॉकर। खाली जन्नत बोल देते हैं, जन्नत अतूफा नहीं, वो उसका नाम है। मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं होता, अतूफा। अतूफा क्या मतलब है? अतूफा का, अतूफा का मतलब है बुलंद कर देने वाली, बुलंद कर देने वाला। ओ अच्छा, वाओ, तो मुश्किल से सबको तुम बताती होगी जब, है ना, नहीं प्रोनाउंस करने में मुश्किल होता है, याद भी लोगों को मुश्किल से होता होगा, तो लोग जन्नत दादा बोलते होंगे जी। अच्छा, कब से आप टिकटॉक पर हो? मुझे 2-3 months हो गए, मतलब एक्टिव हुए हैं, वरना मैं इतना नहीं बनाती। हाँ, लेकिन किसने आइडिया दिया कि टिकटॉक पे आओ और कैसे शौक हुआ? मतलब मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सब बनाते थे, मैंने ट्राई किया तो वायरल जब होने लगती है ना वीडियोस, फिर क्रेज हो जाता है कि लोग पसंद कर रहे हैं तो इनके लिए फिर बनाते हैं। तो घर में अम्मी अब्बू तो नहीं कहते नहीं बेटा हमारी बेटी स्क्रीन पे नहीं आ सकती? नहीं नहीं, क्यों ना, मुझे कोई कुछ नहीं। अच्छा, तो लाड है, लौटी का फायदा उठा रहे हैं ना। अच्छा, जो मैंने तुम्हारी अभी मैं वीडियो तो चलाऊंगी तो फिर सब देखेंगे, तो जो उसका कॉन्टेंट वगैरह होता है वो खुद सोचती हो किसी से मशवरा करती हो, यार आइडिया दे दो? नहीं नहीं, खुद सोच लेते हैं, अगर फनी वीडियोज होती है तो माशाल्लाह एक्सप्रेशन क्यूट 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 क्यूट। स्पेशलिटी क्या है हर टिकटॉकर की? अपनी एक स्पेशलिटी होती है स्माइल, मेरे लोग बहुत पसंद है। तुम्हारा फेस स्माइलिंग है ना, अभी भी देखो मुस्तकी बत्ती सी मेरी तरह निकाली हुई है। ये एक पता है, ये एक नेमत है कि आपको आपका स्माइलिंग फेस हो, दूसरों को भी ये प्लेजेंट लगता है, लोग अपने गम भूल जाते हैं। जी यही होता है ना, अभी ना वो परेशानियां जो होती है ना लोग भूल जाते हैं देख के स्माइल। अच्छा, हम सबको बुला लेते हैं फिर हम सबकी वीडियोज एक साथ चला सके ऐसे, ठीक है? ओके, तो जो नेक्स्ट मैं टिकटॉकर, अच्छा तुम्हारे अभी तक 900K फॉलोअर्स आज तक थे, अभी देखा नहीं, अभी देखा, हो सकता है आज के बाद बढ़ जाए, यू नेवर नो, हमारी भी कुछ फैन फॉलोइंग है, क्या पता आज बढ़ जाए भाई। ओके जी, नेक्स्ट टिकटॉकर जो जिनको मैं बुला रही हूँ, इनकी मैंने टिकटॉक वीडियोस देखी है और ये बड़ा अच्छा डांस करती हैं वकार। हाँ, बड़ी टैलेंटेड है और बहुत बहुत से टिकटॉकर ऐसे हैं कि मुझे लगता है ये तो बड़ी गुड फॉरेन फिल्मों में आ जाना चाहिए। वही तो, मतलब यहाँ पे हमें एक तो नई लड़कियाँ चूज करने का मौका मिलेगा बगैर उन लड़कियों को खुआर हुए हुए प्लीज़ हमारा ऑडिशन ले लें, प्लीज़ हमारी स्टोरी देख लें। तो यहाँ मुझे इतना अच्छे स्टेप्स वगैरह लेती हैं, अभी वीडियोज़ देखें तो आप भी देखिएगा। मैं वेलकम कर रही हूँ जरनब शास्त्री। अच्छा, ओके ओके ओके, जरनब शास्त्री जिनके 1 million फॉलोअर्स हैं। आइए, आवाज गई मेरी उधर। कैसी आप? I'm good. अब बहुत, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं ब्राइडल जोड़ों में, अभी तक तो दूर दूर शादी का इरादा नहीं है ना? बिल्कुल। पहला भी फर्स्ट टाइम इतना हैवी ड्रेस। अच्छा, अभी बड़ा मजा आया टिकटॉक, अभी मैं मेकअप रूम में हम लोग थे। हाँ। तो उनका नाम मुझे नहीं पता, अभी वो आएंगे तो देखिएगा। हाँ। मैंने कहा आप आईब्रोज प्लीज बनवा लीजिए, कहीं नहीं भाई मेरी अम्मी ने कहा है मैं शादी के बाद ही बनाऊंगी। ओए होए, ओए होए। मैंने कहा ये मैं ऑन एयर बोलने वाला हूँ। ये जो इन्होंने जोड़े पहने हुए हारिस शकील के और इतने आप लोगों पे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत दुबली पतली तो है ना, स्मार्ट है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने आपके देखे हैं वीडियोस, तो आप बहुत ही अच्छा एक्टिंग भी अच्छी करती हो और आपके स्टेप्स बड़े प्यारे होते हैं। थैंक यू।
तो जी नेक्स्ट टिकटॉक की तरफ चलते हैं, फजीला कलियार को वेलकम करते हैं विद 1.5 मिलियन फॉलोअर्स। सॉरी हम मिल नहीं सकते ना कोरोना की वजह से। इनकी अम्मी ने मना किया कि शादी के बाद आए ब्रज में। है फजीला सबको करती हैं सारी बहनों को। हाँ वो मतलब होता है ना खानदान में ही है कि कोई मैं भी अपनी बेटी को यही कहती हूँ। हाँ वो कहती है मासूमियत चली जाती है शादी के बाद लुक आता है न्यू लुक आता है पर अपनी अम्मी को बोलो ना तुम तो टिकटॉकर बन गई हो ना तो क्या करे अब मेकअप भी होगा क्योंकि आम लड़कियाँ इतना सारा मेकअप नहीं करी होती ना जब आप अब आप खास हो गई हैं। अब आप खास हो गई हैं। अम्मी को समझाओ आप समझाएं भाई अम्मी देखिए अब उसका मेकअप होगा तो आईब्रो उसकी जंगल हुआ हुआ होगा तो सोच रही कैसी लगेगी तो वो मासूमियत तो दिल से होती है अंदर से होती है वो नहीं जाएगी जब आप अपनी बेटी को मासूम कहती हैं तो वो मासूम अंदर से है तो इनको बना ले रहे आईब्रोज और अगर आप अभी फ़ोन पे हमें बता दें हम अभी बनवा दें अच्छा फोटोशूट होगा फिर जी। तो अगली टिकटॉक में सबको बुला के एक साथ फिर मैं आप लोगों से गप्पे लगाऊंगी एक का मेकअप हो रहा होगा हम तीन से गप्पे मार रहे होंगे ऐसे करेंगे जी। माही शेख हमारे साथ है और आ गई नाम से पहले वाह क्विक सर्विस 1.1 मिलियन फॉलोअर्स। अस्सलाम वालेकुम माही कैसी हो? मैं ठीक ठाक। पहने कभी इतने भारी कपड़े? नहीं पहली दफा पहना और तुमने तार भी माइक की आगे लगा ली पीछे कर लो ओके मैं इस तरफ आ जाऊँ। अच्छा तो माही आप भी टिकटॉक पे हैं कितने अर्से से हैं? एक साल हो जाएगा। एक साल आपको कितना एक साल तुम्हें कितना हुआ था? टू थ्री मंथ्स मैक्सिमम वन ईयर। ये तो अभी आई है इसका मतलब टू थ्री और तुम सारे एक साल वाले हो। अच्छा हम एक काम करते हैं ना जरा जो व्यूअर्स हैं उनको पहले हम इनकी वीडियोस दिखाते हैं फिर हम आगे चलते हैं मेकअप की तरफ और बातों की तरफ। तो हम जन्नत मैं तुम्हें जन्नत बोलूँ या अतूफा बोलूँ? अब तो मुझे तुम्हारा नाम याद हो गया अतूफा तुल जन्नत। ये बड़े मुझे लगता है फनी वीडियोस होती हैं आप एकदम स्क्रॉल करते हैं तो आप काफी घंटे भी निकल सकते हैं। एक्सप्रेशन अच्छे हैं तू वाह है ना तुम्हारे एक्सप्रेशन अच्छे हैं ये तुम एक्सप्रेशन कहाँ से सीखती हो? ऐसी बचपन से ऐसी करती थी पटाखा पर? मैं ना सबकी जो होता है ना कॉपी करना मिमिक्री कर लेती हूं कॉपी कैट हूं किसी की भी नकल उतारती हूं। बताओ जरा किसकी? स्कूल में टीचर किसी एक्टर की उतार के दिखाओ। किसकी दिखाऊं बताएं? जिसकी तुम उतारती हो जैसे घर में सब कहते हो ना उस फलानी एक्ट्रेस की कॉपी करो। मैं फनी फनी जैसे उतार सकती हूं कोई अगर किसी तरह से चलता है तो मैं आपको करके बता दूंगी ये इनका स्टाइल है। पता नहीं जो है वो सिटकॉम्स में जल्दी यहां से बाद ऑफर आ रहा है। वकार की दिखाओ वो मेकअप करेंगे अभी मेरा। हाँ फिर मेकअप गड़बड़ ना कर देना वाइन ना कर देना बना के रखनी एंड में दिखाऊंगी एंड में दिखाऊंगी जब मेकअप अच्छा हो जाए सही क्योंकि वो इससे सारे जो डांस है वो इंडियन गानों पे किए वो हम नहीं चला सकते। अब से तुम पाकिस्तानी गानों पे बनाना ना इतने सारे पाकिस्तानी गाने आ गए और क्या अब तो इतने सारे नंबर्स आ गए हैं डांस के फिल्मों वगैरह की वजह से इसलिए हमने इसकी जरा स्क्वीज करके चलाई है एक्सप्रेशन वाली। अच्छा एक्सप्रेशन देती हो तुम। हाँ शौक है एक्टिंग का? यस। हाँ तो तुमने इसलिए कभी कभार ऐसा किया तुमने कहीं ऑडिशन दिया? एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग में कंप्लीट हुई है। अच्छा आगे तो वो शॉर्ट फिल्म कैसे मिली थी? टिकटॉक के जरिए? नहीं नहीं वो मुझे इंस्टाग्राम पे आया था किसी ने रेफर किया था मॉन्ट ब्लैंक एंटरटेनमेंट ना। अच्छा तो उन लोगों ने फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट किया तो फिर मैं कराची आई हूँ। और इस तरह तो मुझे ग्रेट। कहाँ पे रहती तुम? मैं ये करूँगी। नहीं नहीं तुम कराची से बाहर रहती? हाँ मैं फैसलाबाद से हूँ। अच्छा तुम फैसलाबाद से? और तुम कहाँ रहती? तुम कराची जी। अब मैं किसकी वीडियोस दिखा रही हूँ? फजीला तैयार रहो विद आईब्रोज के बने बगैर। हाँ क्या बात है फजीला। फजीला तो वो तुम अम्मी से अप्रूव करा के बनाती हो टिकटॉक्स अम्मी ये सही है मैं डाल दूँ? एक बार करवाया बस, दो बार अकाउंट प्राइवेट कर चुकी हूँ फिर मैंने मतलब मुश्किल से इजाज़त दी। अम्मी सख्त है अब्बू सख्त है? अम्मी सख्त है लेकिन सपोर्ट भी करती है ना ये तो अच्छी बात है ज़रूरी है सपोर्ट करना। तो तुम क्या सोचती हो आगे तुम आओगी ड्रामे वगैरह में एक्टिंग करोगी? अच्छा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर? अच्छा अच्छा प्रोड्यूसर पहली दफा सुना है मैंने।
तो पैसे ज्यादा मिलेंगे ना, अच्छा प्रोड्यूसर पैसे खाएंगे नहीं एग्जैक्टली आप बीच में कैलकुलेटर है, डायरेक्टर भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक्टर मेरे कोई भी हो, मैं खुद कर लूंगी एक्टिंग। हां मैं कर लूंगी। अच्छा तो तुम्हें भी है मतलब, वो भी अम्मी से पूछ कर आओगी? जाहिर है बताओ। तो फिर आईब्रो बनाने देंगी अम्मी के लिए? सोच लो ड्रामों में तो जरूरत है आईब्रो की। हां बगैर आईब्रो के दुनिया नहीं है। हाँ। क्योंकि ना शादी तो अब पता नहीं कब हो, तब तक आईब्रो नहीं बनाए। शादी में तो टाइम ना लगे ना भाई। आंटी इसको अम्मी परमिशन दे आईब्रो। अब तो मैं पूरे शो में मैं तुम्हारी आईब्रो बनवा रही हूं। परमिशन दिलवा गई थोड़ी छोड़ बिल्कुल। हां भाई ये क्या, किस तरह क्या प्रोसीजर होता है टिकटॉक का? ये कहीं, ये जो वॉइस है ये कहीं होती है, साउंड जो होती है कहीं होती है, वो उसी पे आपको पिक करना होता है? ऑलरेडी साउंड्स होते हैं, जस्ट चॉइस करके आप उसके ऊपर वीडियो बना लो। अच्छा मूवीज के कोई अच्छे से फनी कलर कर लिए, साउंड्स के कर लिए, इसमें तो काफी टाइम लगता है। प्रॉपर टाइम चाहिए होता होगा और बड़ी रिंग लाइट वगैरह मैंने देखा है, सब लड़कियां लगाई हुई होती हैं और फिल्टर सब। आंखों में दर्द हो जाता है रिंग लाइट से। आंखों में बहुत दर्द। अच्छा रिंग लाइट से, रिंग लाइट से फायदा क्या होता है कि फेस वेस प्यारा आता है? कहता है लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। आई नेवर यूज रिंग लाइट, मैंने कभी आज तक यूज नहीं किया टिकटॉक के लिए। मतलब रिंग लाइट की जाती है ना। हां मैं सनलाइट डे लाइट जो होती है मैं कोशिश करती हूं कि मेरी उसमें बने तो ज्यादा बेस्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप दोनों भी कराची से हो? जी बिल्कुल। अच्छा कराची से बिलोंग करते हैं। हां हां अच्छा। आपका क्या इरादा है माही, आपने भी एक्टिंग करनी है? बिल्कुल अगर लाइफ में मौका मिला तो जरूर। हां चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले कौन जा रहा है तैयार होने? हाँ से शुरू करते हैं। टू ब्राइडल एंड टू वलीमा मेकअप है, लेकिन हम वलीमा मेकअप से शुरू कर देते, कोई मसला नहीं है ना। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक इनकी बेस वगैरह करेंगे और उसके बाद आई मेकअप होगा तो हम वापस आ जाएंगे। हम गप्पे भी मारेंगे, मेकअप के बारे में भी बात करेंगे, बहुत कुछ है आज शो पे, ज़रूर देखिएगा और बहुत इन्जॉय कीजिएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं मुख्तलिफ शो, वकार कंबाइन किया हमने टिकटॉकर्स के साथ। वकार आज ब्राइडल लुक दे रहे हैं इन बहुत ही प्यारी प्यारी टिकटॉकर्स को, जिनकी आईब्रो भी नहीं बनी। आज पूरे शो का जो टॉपिक है वो ये है कि अम्मी ने आईब्रो नहीं बनाई, लेकिन वो उनकी मासूमियत को किल किए बगैर देखिए कैसा मेकअप प्यारा सा होगा। और इस रूप में आपने इनको कभी नहीं देखा होगा हमारे अच्छा, पास मुझे हैरत हुई अम्मी ने बाल डाई करने को मना नहीं किया। किया था हाँ, वो थोड़ी जिद कर ली अब। हाँ इतना तो चलता है। हाँ। क्या चीज़? इतना तो चलता है ना, मतलब आईब्रो नहीं लेकिन बाल। बाल ये सही कह रहे हो। हमारी अम्मा है, मतलब लाइक मैं भी ऐसी अम्मा हूँ। हम इतनी मेहनत करते हैं, बड़े करते तुम लोग मतलब ख्याल रखते, फिर तुम जब बड़े हो जाते हो चीजें। अच्छा मुझे लगता है कि लड़कियाँ और लड़के हमारे यहाँ जो है ना पैदा करते हैं शादी के लिए, हमारा अल्टीमेट बात होता है शादी होती है। अच्छा पढ़ लो शादी हो जाएगी। हाँ। अच्छा कमाओगे कैसे, शादी कैसे होगी, लड़कियों के ये नहीं करो तो मास्टर में चली जाएगी। हाँ। शादी कैसे होगी। हाँ। हमें एकदम सिर्फ शादी के लिए पालते हैं बच्चे। अच्छा अभी वकार ने बेस नहीं लगाई? मैंने बेस नहीं लगाई, मैं अभी आई मेकअप कर रहा हूँ। अच्छा अभी देखिए अलग अलग ट्रेंड्स हो गए मेकअप के। मैंने आज यही बताने की कोशिश करी कि जो ब्राइड्स हमारे पास पहले होती थी बहुत ज्यादा मेकअप और टू मच हेयर और चीजें, अब थोड़ा सा जब से समरी ब्राइड मैंने कोशिश किया कि बहुत जैसे आपने इखला का देखा था ना, वेरी सेटल नेचुरल, कि दुल्हन जो है ना वो उतनी ही लगे जितनी वो एज की है, खूबसूरत लगे। खूबसूरत लगना मुझे लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा देन मेकअप ज्यादा लगना। तो आप पहले जो हो वो आई मेकअप करो ताकि जो भी मेकअप गिरेगा फेस पे वो साफ करके फिर बेस दे, मिनिमल बेस हो, वरना क्या होता है उसको जो गिरेवा होता है उसको छुपाने के लिए आपको और ज्यादा बेस लगानी पड़ती है और फिर वो गंदगी से गंदगी होती ही चली जाती है। हाँ तो अभी लाइट सॉफ्ट मेकअप दे रहे हो आप और बहुत सॉफ्ट से मैं कॉर्नर्स बना रहा हूँ। आपने जेल बैक करके जूड़ा बना दिया ऊंचा ताकि दुपट्टा रखने में आसानी हो। जी और हेयर स्टाइलिंग आजकल एक तो बकार के हाथ बड़े ना माशाल्लाह आप तैयार हैं? हाँ ठीक है। ये आप दे रहे हो वो जो हड्डी है आप? हाँ अच्छा इसकी आईज एक तो प्यारी भी हैं और दूसरा ये कि इनके पास मार्जिन बहुत है करने का, तो हम इसमें सॉकेट बड़ा दे सकते हैं। तुम जन्नत तुम खुद ही करती हो अपना मेकअप जो टिकटॉक्स बनाती हो जी, तुम कौन कौन सी बेसिस कौन सी यूज करती हो?
मुसर्रत तो मुझे लग रहा है पूरी दुनिया यूज़ हाँ मैं वही कह रही हूँ तो तभी तो शॉर्ट हो जाती है मैं तो मुसर्रत आपा से डायरेक्ट फोन कर रहा था भाई मेरा स्टॉक भिजवा दें बाकी का मुझे दुकानों का पता नहीं मेरा स्टॉक पहले भिजवा दें अच्छा तो अब बाकी जो आई मेकअप वगैरह ये सारी वो कहाँ से वो कौन सा यूज़ करती हो वो मतलब इतना नहीं करती मैं ब्लश ऑन होता है ना उसी को लगा थोड़ा सा फायदा ये भी होता है क्योंकि मोबाइल से बन रहा होता है तो फिल्टर्स आप अच्छे अच्छे लगा सकते हैं उसके सबसे अच्छा फिल्टर कौन सा है जब मैं भी अपनी तस्वीर खींचूं तो मैं भी लगाऊं पता चले मुझे जिसमें लेंस भी लग जाते हैं लैशेस भी लग जाती हैं F2 और S7 S7 और S3 ये नीली आंखें किससे होती हैं वो तो उसके लिए वो फिल्टर यूज होते हैं उसके लिए अच्छा मैंने कहा तुम लोगों को नीले नीले लेंस कहाँ से मिलते हैं लेंस भी लगाते हैं लेकिन कभी कभी फिल्टर अच्छे लेंस भी लगाते हो ओके अच्छा अच्छा इसके हल्के हल्के जैसे आप देख रहे हो पिंपल्स हैं तो वो कैसे आप छुपाओगे ताकि लोग भी फाउंडेशन से लाइक कोई कंसीलर दोगे या कोई ऐसी लगाएंगे डायरेक्ट फाउंडेशन से छुप जाएंगे इनके इतने ज्यादा है नहीं मेरे हाथ से थोड़े थोड़े से बिल्कुल बिल्कुल जैसे वो हर लड़की के हो जाते हैं ना जब टिकटॉक पे तुम बात सुनो तुम मेकअप उतार के भी सोती हो कि ऐसे ही सो जाती हो नहीं तो इतना नहीं करती ना मैं तो इतना नहीं करती तो इसलिए मुंह भी नहीं धोती नहीं नहीं धोती है वो तो पढ़ते हैं ना सारे पढ़ रही हूँ मास्टर कर रही हूँ तो रात भर जागना पड़ता अच्छा, है ये तो बताओ हाँ क्या पढ़ी हो किस चीज़ में इकोनॉमिक्स में मास्टर कर रही हूँ पढ़ी लिखी टिकटॉकर आ गई भाई अच्छा इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है इकोनॉमिक्स बन जाऊंगी तो ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है ग्रेट जबरदस्त जबरदस्त और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उन पेरेंट्स का जो बच्चों को नए प्रोजेक्ट्स कराने देते हैं और आगे पढ़ने के लिए इजाजत देते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है तो साइड लाइन तुम्हारा जो ये शौक है वो टिकटॉक बनाना है लेकिन तुम अपनी अपना फोकस तुमने प्रोफेशनल प्रोफेशनली तो आगे बढ़ना है क्योंकि मैं एक पढ़ रही हूँ मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो कोशिश कर रही हूँ कितना अच्छा आइडिया ना तो मेकअप हो रहा है और मैं तो इंटरव्यू ले रही हूँ मजे का वो हो रहा है मतलब ऐसे साम बैठ के इंटरव्यू लेने में क्या मजा अब वहाँ मेकअप हो रहा है और वहाँ बातें भी हो रही हैं आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे बिल्कुल नहीं क्योंकि ब्राउन से बड़ी सख्ती आ जाती है इससे सॉफ्टनेस आई है मतलब लाइक गड़बड़े हो जा रही है अच्छा ये जो ब्राउन कलर है पकार देखें आप जरा एक नजर दें ये ब्राउन जो है वो थोड़ा डार्क है मैंने पर्पल की तरफ लिखी है आपने जो इनकी जो हड्डी वाली जो वो बनाई है क्रीज सॉकेट पे हाँ सॉकेट हड्डी पे हाँ। अच्छा और सॉकेट पे मैंने ना बहुत ज्यादा शार्प नहीं दिया सिर्फ एक यही कलर यूज एक यही कलर यूज किया और इसके कॉर्नर पे हल्का सा ब्लैक लगा ये देखिए ये ऐसा कलर है इसको कलेजी कलर कहेंगे आप कलेजी से भी थोड़ा डार्क जैसे मरून एंड डार्क पर्पल मिक्स करें तो ये कलर बन जाता है ठीक है ये वाला कलर आप खुद भी बना सकते हैं ठीक है ये वाला दिया है जिसकी एक ही शेड की मदद से पूरा खेल है ना हाँ। ये लो बेटा ये लैशेस कभी तुम लोग लैशेस वगैरह लगाते हो खुद से नहीं है ना कोई टेढ़ी मेढ़ी लग जाती है आंखें महंगी लगने लगती हैं है ना इतने लोगों का मेकअप किया आपके बारे में कह सकता हूँ कि निदा वो वाहिद है जो मेकअप में बिल्कुल तंग नहीं करती है ना आपको नहीं करती दूसरों से पूछे आपको जिसका मुझे पता है कि उसको मेरा चेहरे का पता है प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर जब मेरा मेकअप हो जाता है ना फिर गड़बड़ होती है फिर मैं बोलती हूँ कि यार ये पहले तो मौका दो ना करने हाँ मैं कहता हूँ अब मैं एक्ट्रेसेस को भी ये बात कहता हूँ कि आप अक्सर ये होता है कि लोगों ने एक मेकअप आर्टिस्ट रखा हुआ होता है और एक ही मेकअप आर्टिस्ट पर काम कर रहे हो तो ये नया ट्रेंड बनता जा रहा है लेकिन जितने भी आप सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं वो हमेशा आपको सजेशन देंगे कभी भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप मुझसे ही मेकअप करवाएं क्योंकि एक चेहरा ना हो सकता है मैं किसी और तरीके से आपको हसीन देख रहा हूँ शहजादी मेकअप करती थी किसी और तरीके से हसीन देख रही है वाजिद मेकअप कर रहा था किसी और तरीके से देख रहा है तो ये ज़रूरी है कि आपको मेकअप आपको देखें कितने लोग आपके चेहरे पर मेकअप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लुक्स एक लोग आती डिफरेंट बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट अच्छा लैशेज लगाने का तरीका देखे पहले थोड़ा सा सुखाते हैं उसके बाद लगा अच्छा ग्लू हमेशा थोड़ी सी सुखाएं ताकि वो स्टिकी हो जाए स्टिकी होगी तो वो जल्दी स्टिक करे यानी तो वो गीली होगी तो वो आपकी लैशेज पे ही वो फिर छोड़ जाएगी
ठीक है, अब ये मजे की बात है कि एक ही शेड से अभी तक वकार ने काम किया, तो लैशेज लगाने के बाद फिर अब आप नेक्स्ट स्टेप पर आने वाले हैं। जी, और अब सबसे अच्छी बात ये है, आई एम वेरी हैप्पी कि अब पाकिस्तान के अंदर ना सब अवेलेबल है। पहले हमें एक लैश, आपको याद है खुदा के लिए हम कितना दौड़ते थे कि वहाँ से लेके आना है, पाकिस्तान में अब सब कुछ मिल जाता था। अच्छा, और अब जो पाकिस्तान के, आपको पता है ना पाकिस्तान में जुगाड़, अब हम कहते हैं हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाए और यहाँ देखिए ना मौका मिले तो एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे थे पटाखे पटाखे एक्सप्रेशन, माशाल्लाह सब लोग, आप लोग ही चारों यहाँ पर जो कॉस्मेटिक जो यहाँ की लोकल लैशेज बन रही है वो बहुत अच्छी इंटरनेशनल लैशेज से बहुत बेहतर है। अच्छा चलो जन्नत, मैं तुमसे कुछ बात करूँगी ना, तुम्हारी क्या हॉबीज़ क्या है टिकटॉक के अलावा, क्या तुम्हारे शौक है? अब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, उसके अलावा बाकी घर के काम भी करती हूँ। घर के सारे काम कर लेती हूँ जी, ये तो अम्मी से कॉल करके पूछना पड़ेगा। जी जी पूछ ले आप, कुकिंग भी कर लेती हूँ, मतलब बड़ी बड़ी चीजें नहीं आती जैसे बिरयानी वगैरह जो होते हैं ना, वो वाली चीजें नहीं आती, बाकी छोटी मोटी जो चीजें होती है दाल चावल गोश्त सब्जियाँ सब बना लेती है। मतलब कुकिंग शो भी, जन्नत की वीडियो तो दिखाए एक दो जरा, फिर जो नेक्स्ट आएगा जो यहाँ मेकअप पे बैठेगा ना वो उसके बारे में मैं सारी बातें करूँगी। तो हाँ मैक लगाई है, और मैक का कौन सा नंबर इनके मैक का? मैंने 15 नंबर इनके लगाया है। अच्छा 15 नंबर, और मैक भी अब यहाँ पर, अच्छा पहले ही होता था कि यहाँ पर वो फाउंडेशंस नहीं मिलती थी। 15 नंबर, 15 नंबर, तो 15 तो बहुत फेयर है। हाँ मैंने फेयर, क्योंकि इनकी स्किन भी फेयर है ना, नहीं तो इसके जो पिंपल्स वगैरह हल्के से जो है वो सब आप देखिएगा, वो छुपाने की जरूरत नहीं करूंगा तो ये सब छुप जाएगा। ये जो आपके हाथ में ब्रश है ये कहाँ का है? ये बहुत अच्छा नबीला, अरे यार कितना जबरदस्त है, मैं बता रहा हूँ ना पाकिस्तान में अब सब चीजें नबीला का ब्रश, नबीला की फाउंडेशन इतनी मजेदार हैं। ये तो मुझे और कितनी अच्छी इसकी ग्रिप है, बहुत अच्छी ग्रिप है, और इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू नबीला, कहाँ कौन सा कैमरा है? हाँ बहुत थैंक यू नबीला, वेरी नाइस। मुझे इतनी खुशी होती है कि सुनकर ये, अच्छा ये पाकिस्तान की लाइक ब्रांड है, और वो देखने में मुझे लग रहा है इतना। आपको मैंने बताया था ना इंडिया की जो एक्ट्रेस के साथ हमने काम किया वहाँ पर कमर्शियल में, तो उनको ये फाउंडेशन बहुत पसंद आई, मुसर्रत की भी और नबीला की भी। अच्छा। तो मैंने यहाँ से उनको काफ़ी स्टॉक फिर बैंकॉक भेजा। अच्छा सही, अब आप ये भी देखें कि अंडर आए यानी डार्क सर्कल्स को किस तरह कंसील करते हैं, और मैंने कोई बहुत ज्यादा फाउंडेशन नहीं लगाई, कम लगाई ना, उसकी स्किन पे जरूरत ही नहीं है, बहुत लेस लगाई। अच्छा तुम लोग जो हो वो खुद अपना मेकअप कर रहे होते तो कैसे सीखते हो, आता है या बड़ा वैसे फायदा हो गया, और अब तो इंस्टाग्राम पे ही सब कुछ आ जाता है, यूट्यूब की भी जरूरत नहीं है। तुम जन्नत बताओ तुम फोन कितना यूज करती हो पूरे दिन में, कितने घंटे? बहुत ज्यादा करती हूँ, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ है ना, तो इसलिए कुछ होता नहीं है काम करना, तो अम्मा अम्मा से डांट पिटती चलो बर्तन धो। नहीं नहीं सब काम करने के बाद, मेरे काम है घर के सब करने के बाद में कितनी बहन है तुम लोग? मैं हम लोग तीन बहन भाई, तीन भाई, बस दो भाई है मेरे और मैं एक बहन, एक लौती बहन जी। तो भाई नखरे उठवा दिया तुमसे अपने या तुम उनसे? नहीं नहीं मैं सबसे बड़ी हूँ, भाई छोटे हैं, लेकिन घर में सबसे छोटी मैं हूँ। अच्छा, तो बहन एक होना चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, लाडली फिर वही होती है ना। तो तुम जो सारे डबल रोटी अंडे वगैरह मंगवाओ ये वो सारे वो भाइयों को है ना, अब वो तो नहीं तुम्हें कहते चलो हमारी शर्ट इस्त्री करो? नहीं खुद करते हैं, खुद करते हैं। बल्कि मैं भी करवा ली थी। यस यार ये इस तरह की बच्ची होनी चाहिए लड़की, सही सही। अब देखिए ना मैंने बहुत लाइट फाउंडेशन लगाई है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं किया, और हम कंसीलर लगाएंगे इसके। अच्छा कंसीलर जो यूज कर रहे हो वो भी बता देना, मैं टार्ट का कर रहा हूं, टार्ट का शेप टेप। ये कौन सा नंबर है? इसका नंबर है 345। 345 मतलब कोई लिखा होगा ना मीडियम या क्या? 345 मीडियम, मीडियम। हाँ मैं भी मीडियम यूज करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक येलो मतलब लाइक इसी टार्ट का येलो कंसीलर लगाती हूँ नीचे। हाँ येलो इसलिए हमारी अंडरटोन येलो है। हाँ मेरी डार्क सर्कल ज्यादा है इसके तो इतने हैं नहीं, तो वो लगाने के बाद वो सूखता है, तो फिर मैं ये शेप टेप। आप देखिए कि मैंने मैक की जो मैंने 15 नंबर लगाई है उसी से इसकी कवरेज हो गई। अच्छा एक चीज मैं एक और आपको बताना चाहूंगा, अब ना वो फैशन भी नहीं रहा कि बहुत कवरेज चाहिए होती है। अच्छा थोड़ा आपकी जैसे आपके मोल है, तिल है, थोड़ी सांस लेनी चाहिए स्किन को। हाँ अब आप देखिए कमर्शियल वगैरह में भी हम बहुत मेकअप नहीं करते बिल्कुल, लेकिन डार्क सर्कल्स छुपे हुए होने चाहिए, उससे फ्रेश लुक आती है।
भले और कहीं इतना बेस ना लगाओ। दूसरे टार्ट की कंसीलर की अच्छी बात ये कि ये कोई ड्राई है और ये बहुत लाइट है। अच्छा मुझे बात बताएं, जैसे क्या इसको कंसीलर को लगा के थोड़ी देर छोड़ना चाहिए या वहीं पे? जब तक फाउंडेशन लिक्विड कोई भी हो उसके अंदर ऑक्सीडाइज होता ही होता है। अच्छा। चाहे कम हो ज्यादा हो होता जरूर है। अब आप देखिए इसको जब तक आप टैप नहीं करेंगे तो वो अपनी जगह पे सेटल नहीं होगा। अब आपने जो है वो बेस पूरी लगा दी। अच्छा, देखिए क्या किया है कि मैंने जो इनका वी एरिया जिस आईज के नीचे अगर आप वी बनाए तो वो एरिया अगर ब्राइट होगा तो ऑटोमेटिकली इनका फेस और प्यारा लगने लगेगा। ओके, ये एक टिप है कि जो हम डार्क सर्कल्स छुपाते हैं उसको हम वी के शेप में लगाएंगे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि डार्क सर्कल जरूरी, डार्क सर्कल का मतलब ये नहीं कि आप आंख के नीचे लगाएं। देखिए जो हमारी जहाँ सर्कल होता है आई डार्क सर्कल, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चियों को देखा है यहाँ आंखों के नीचे लगा वो चाइनीज हो जाता है, चाइनीज बना ले। आप उसको टैप जरूर करें उस जगह पे, लेकिन असल डार्क सर्कल मतलब ये सर्कल सर्कल ये एरिया होता है। ओके ओके, ये अच्छा। अब आप कॉम्पैक्ट कौन सा यूज़ करेंगे? मैं लगा रहा हूं इनके 20 नंबर। ये मैक का ही है? मैक का ही है। मैक का NC20। इनकी भी अंडरटोन थोड़ी येलो है, इसलिए मैंने 15 के बजाय 20 का इंतखाब किया। ठीक है, अच्छा आजकल अगर मैं आपसे पूछूं तो ब्राइडल मेकअप में ट्रेंड्स कौन से हैं, यानी कौन सा वाला मेकअप, मैट, शिमरी, ग्लिटरी, किस तरह के मेकअप से हैं? देखिए इट्स डिपेंड, अगर आप इसके लिए कोई वो मुझे लगता है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाज दफा ड्रेसेस ऐसे आते हैं कि आपको उस हिसाब से हम करते हैं, लेकिन ये जो नाम निकल आए ना, मैं तो मेकअप का कभी नाम नहीं खेल रहा, ब्राइडल शिमरी मेकअप, ब्राइडल फला मेकअप, ये बिल्कुल वही है कि आप चार आलू के साथ, चार टमाटर के साथ, चार प्याज के साथ है तो चार। अच्छा अभी आपने जो मजे की चीज मुझे लगी है ये कि एक ही शेड से पूरा आई मेकअप, पूरा आई मेकअप किया है तो इनर आई पे भी कुछ आपने नहीं? अभी आप देखिए मैं इनर आई पे लगाऊंगा। अभी इन्होंने जो पूरा सॉकेट बनाई है आंख की वो डार्क कलर से, क्योंकि अब वो गिरेगा नहीं तो वो बेस भी अब सेटल्ड हो गई है। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है मेकअप की, डार्क कलर पहले ही इस्तेमाल करके। और प्लीज एक और बात, मैं आजकल ना ब्राइट्स में अभी 2-3 मैंने देखी आईब्रोज को बहुत डार्क कर देते हैं। आप जरा आईब्रो एक बना के दिखा दे क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। ये देखिए मैंने आईब्रो बनाई है, मैं दिखा भी दूं कि आईब्रो के लिए क्या पिक किया है मैंने मुसरत पकड़ने, सॉरी ये मुसरत मिसवा का पैलेट है। ये आप दिखा दें कि ये पैलेट है, ये पिक किया है, कौन सा कलर है? डार्क वाला, डार्क डार्क और मीडियम मिक्स किया है, डार्क मीडियम, एंड पे डार्क लगाया है और फ्रंट पे मैंने मीडियम लगाया है। हम आपको सॉफ्ट हो गई, बिल्कुल, क्योंकि वलीमा लुक है वो वैसे ही सॉफ्ट लुक होती है, वलीमा, निकाह, मंगनी, और ये वाला वो मेकअप है जो आप खुद भी जा सकते हैं। और निकाह के मेकअप में मैं प्रेफर करता हूँ कि किसी से बोलूं लाल लिपस्टिक के ना लगाएं, है ना वो सॉफ्ट, क्योंकि फिर आपकी वो जैसे अम्मी ने कहा था मासूम में चली जाती है, हाँ। तो वो मंगनी में मासूम में चली जाती है, मंगनी में और निकाह में ना लगाएं। अगर आपको फिर बहुत शौक है कि अच्छा आपकी रुखसती के दिन आप लगा लें तो कोई बात नहीं, उस दिन लगा लें। रेड लिपस्टिक से एक बड़ी फ्रेशनेस भी आती है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है दुल्हनों को वो माइयों में जाग रही हैं, रत जगे हो रहे हैं, गाने ये वो, तो वो वैसे इनकी स्किन थोड़ी सी डल होना शुरू हो जाती है, तो रेड लिपस्टिक से एक फ्रेशनेस आ जाती है तो वो रुखसती में सही लगता है। ठीक है मैं ब्रेक ले लूं? बिल्कुल आप ले लीजिए। अभी आप मैं बस सिर्फ एक चीज अगर इनको बता दूं कि मैं अंडर आई में भी यही कलर लगा रहा हूं। अच्छा, और आप लाइनर वाइनर देंगे या कुछ ऐसा? नहीं अभी फिलहाल में कोई लाइनर, मस्कारा देंगे? मस्कारा ऑफ कोर्स दूंगा। और फिर आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा या कुछ और करेंगे? कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं अभी जब तक आप ब्रेक से वापस आएं। ठीक है मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम। हमारे पास आज टिकटॉकर्स हैं अपने टैलेंटेड कंटेंट को लेकर, और इतनी प्यारी प्यारी शक्लें इनकी देखें, ये के वकार इनको कैसे अपने रंग में डालते हैं, और एक खूबसूरत ब्राइडल लुक जो आपने इनको टिकटॉक पे नहीं देते हुए देखा होगा वो लुक आज ही देंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए तो कितनी प्यारी लग रही है ये जन्नत, है ना जन्नत? मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारा नाम वो वाला तो मुझे कार्ड में पढ़ना पड़ता है। अतुफा अतुल जन्नत जो है वो आप देखें कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह से फाइनल लुक दी जा रही है। पकार जो शेड आपने कॉन्टोर का लगाया है वो मुझे प्लीज दिखाएं। मैं आपको दिखाता हूं लशन का कौन सा शेड लगाया है। ये कॉन्टोर का शेड है, ये देखिए ये कॉन्टोर का ब्राउन शेड है जो कि बहुत नेचुरल है, बिल्कुल फुट्टे नहीं खींचे हुए। वकार ने बहुत ब्लेंडेड और
मजे की कॉन्टोर की है, नाक की कैसी की है दिखाओ जरा। और ब्राइड्स को तो मैं कहता हूँ जितनी कम कॉन्टोरिंग होगी वो उतनी प्यारी लगेंगी, फ्रेश लगेंगी। हाँ अच्छा, अब वो जो कॉन्टोर नाक की है वो कैसे की? बहुत सॉफ्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। किस ब्रश से की है? इसी ब्रश से की है, ये वाला कलर लिया है और बहुत सॉफ्ट करके, किसी खड़ी ना आके ना इतनी जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, सिर्फ हमने हल्का सा कि वो व्हाइटिश ना लगे। हाँ सो कॉन्टोर कर। और आपने आंखों के पे हमारे सामने एक मेकअप जी, मैंने आंखों के पे क्या किया, आइज बंद करो बेटे, आंखों पे मैंने कॉर्नर जो है वो हल्के से पर्पल जो मैंने आपको दिखाया था वो दिया, एंड एक बिल्कुल लाइट एक शिमरी पर्पल कलर है। हाँ क्योंकि वो कपड़ों का कलर वो है उससे एनहांस करने के लिए, खुदा का पैलेट है और ये बहुत ही प्यारा कलर है, ये वाला कलर है, ये जिसे मैं दिखा रही हूँ, ये कलर आंखों के सेंटर में, जब आपने पहले आउटलाइन बनाई आंखों की और सेंटर में किस तरह बहुत सॉफ्ट, फिर मैंने फिंगर से लेके बस हल्का सा टैप किया है, बस टैप किया बस। और वो लग गया। देखिए देयर इज नो लाइनर, लाइनर के लिए मैंने क्या किया, आइस करो बेटे, आंखों की लैशेस के साथ एक लाइन बनाई है जिसकी वजह से इनकी आंख बड़ी लग रही है। तो ये आपने लाइनर से बनाई? लाइनर से, बारीक ब्रश लाइनर लगाया है इनर आई में, नॉट आउटर आई, जिसको कहते हैं टाइट लाइनिंग कहते हैं जी, जो वाटर लाइन होती है हमारी, वाटर लाइन पे हमने लगाया, आंखों के अंदर लगाई, अंदर लगाया। इसका तरीका कार क्या है लगाने का, क्योंकि मैं लगाऊं तो मुझे तो मेरी आंख में चला जाए। मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इसके लिए आपने लेना होता है जेल लाइनर, लोग भी सिखा रहे हैं, वाटर बेस्ड लाइनर नहीं होता है, इसमें जेल लाइनर आपने लेना होता है। जेल लाइनर जैसे पाकिस्तान में इंग्लॉट का बहुत अच्छा है जेल लाइनर, आपने जेल लाइनर लिया बहुत सॉफ्ट सा अपने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की ऑफ द मेकअप है, उतनी प्रोडक्ट है जितनी लगानी और फिर आपने आईज बकर बेटी इस तरफ दिखाया और सिर्फ अंदर वाटर लाइन के ऊपर इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, बस मैंने पूरी आंख पे नहीं लगाया, सिर्फ वाटर लाइन जहाँ से लैश शुरू हो रही है, लैश के शुरू से लेके आंख के शुरू का कॉर्नर मिक्स कर दिया। अच्छा, जो लैश का धागा है वो कैसे छुपाया आपने? देखिए ना, वो इसी मैंने आपको बताया ना, जहाँ से लैश शुरू हो रही है वहाँ से लेके आंख जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ तक लाइनर लगा। ठीक है, तो ये तैयार है हमारी, इनको लिपस्टिक कौन सी लगाई वो भी दिखा दीजिए। हाँ, लिपस्टिक मैंने इनके ये एक मिलानी का कलर है और ये जो है मैट लिपस्टिक कलर है। ये किस कौन सी ब्रांड है? ये वाला सॉफ्ट और ये फॉर्म कोई ड्राई है, ये ड्राई मैट लिपस्टिक है, ये वाली लगाई। दुल्हनों के लिए फायदा होता है, खाना खाएं कुछ खाएं तो खराब नहीं होती। ठीक है जी, नेक्स्ट हम जरनाब को बुलाएंगे इधर। और हाँ खड़ी हो, आजकल दुल्हन ने भी मोबाइल हाथ में लेके घूमती, तो आगे जाओ था ताकि तुम्हारे प्रॉपर लुक आए नजर। हारिश शकील के इन्होंने कपड़े पहने हुए जो कि बहुत ही बस इतनी दूर नहीं थी, बस बस बस। क्यों उड़ा के आशिक आवारा है मन चला रखा था जो निगाहों से बचा के दिल सीधा सादा है मुश्किल इरादा है ओ हो अलिये निराला है धड़कन पे ताला है ओ। ये तुम्हारे पास मौका है भाई, अपनी जो तुम मस्तियां दिखाती हो वो यहाँ दिखाओ। आ जाओ, आ जाओ बेटे ज़ैनब। ठीक है जी, अब हम करेंगे ब्राइडल मेकअप। ये था सॉफ्ट पार्टी मेकअप कह सकते हैं आप, निकाह का मेकअप, मंगनी का मेकअप। और जो आई एम सो सॉरी, मैं कैमरा डायरेक्टर साहब मैं गलत मूव कर गई, आप जो लुक देख रहे हैं इस वक्त वो एक सॉफ्ट मेकअप की लुक है, वो आप खुद भी अपनी दे सकते हैं बगैर लाइनर के और बहुत प्यारी क्यूट लुक आ रही है। अच्छा जी, अब हम ज़ैनब के पास आ गए। सबसे पहले हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। अच्छा ज़ैनब को आप कौन सी बेस दे रहे हैं? अभी तो मैं इनका आई मेकअप स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा पहले आप आई मेकअप, तो आई मेकअप से पहले हम प्राइमर लगा लें जी, वो इस पे चिपकेगा तो नहीं गिरेगा? तो इससे पहले ये प्राइमर का काम ये होता है कि आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। अच्छा, और आपके स्किन को मेकअप के लिए तैयार करता है, तो जितनी देर में मैं आई मेकअप करूंगा इतनी देर में ड्राई भी हो जाएगी। वैसे भी लाइक ज़ैनब की स्किन बहुत अच्छी है, वो कैमरा जिस कलर से प्यार करता है वो कॉम्प्लेक्शन है ना। अच्छा, और ब्राइड्स के लिए एक और एडवाइस ये है कि प्लीज़ जो आपका कलर है उसको ओन कीजिए। हाँ, और उसी कलर पे रहिए बजाय। अच्छा, मैं तुम सब लोगों से एक सवाल ही करूँगी, मैंने देखा टिकटॉक पे अपने आप को बहुत गोरा करके दिखाते हैं, क्यों? The worst thing है, ऐसा क्यों? तुमने नहीं किया? मैंने नहीं किया। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है ये। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या लोग ज्यादा पसंद करते हैं? क्या तुम लोग क्या इसका जवाब दोगे? क्या लोग ज्यादा पसंद करते हैं या क्या डिमांड होती है या क्या?
आई थिंक सो पब्लिक डिमांड है बिकॉज जो फेयर है वो ज्यादा और यहाँ पर बैठ के सबसे बड़ी टेक्निक ये है कि आपने सर और मुंह हिलाए बगैर बातें करनी है। हाँ, देखे बगैर। अच्छा तो अब आए के ऊपर आप मेकअप कर रहे हैं लेकिन उसके नीचे बेस भी दे रहे हैं। ये वाली जो बेस है ये कौन सा कलर है? ये FS36 है। अच्छा 36 FS36 ठीक है। जरनाब ने क्या सोचा हुआ है कि उस लाइक क्या पढ़ा हुआ है जैसे ये आगे फ्यूचर ये सोचती हैं तो आप क्या सोचती हो जरनाब? एक्चुअली मैंने अपनी स्टडी लाइक ICS किया उसके बाद मैंने प्राइवेट बीए करके मैंने कंप्लीट कर ली। मुझे अब एक्टिंग में बस जाना है। अच्छा ग्रेजुएट यू आर अ फोटोग्राफर आल्सो राइट? क्योंकि मैंने शेयर्स लास्ट के साथ हां वो एक्चुअली मुझे सिखा रहे हैं आजकल। अच्छा 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 उसको डांस का शौक है और अच्छा करती है लाइक तो इसलिए फिर वो मैंने कहा साथ साथ सारी चीजें होनी चाहिए आपने अपने करियर एज एन एक्ट्रेस परसू करना है आप ये चाहती हैं तो फैसलाबाद से आती हो प्रॉब्लम तो नहीं होती आने जाने में? थोड़ा सा इशू होते हैं बिकॉज मामा जो है ना वो भी कहती हैं कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ फिर उनके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ता है बार बार कभी जाना पड़ता है ये बहुत इशू होता है। तो अभी आपको एक मतलब आपने एक शॉर्ट फिल्म की आप शुरू करी एक्टिंग कर दी जी चलो अभी दुल्हन बन जाओ फिर मैं तुम्हें कोई डायलॉग दूंगी देखते तुम बोल पाती हो जी बिल्कुल। और अब तो वेब सीरीज का जमाना आ गया अब तो बहुत नए टैलेंट सामने आएंगे और आप लोगों को सही जमाने में आप लोग पैदा हुए हैं और आए हमारे जमाने में सिर्फ एक PTV था और चैनल्स इतने प्राइवेट नहीं थे लेकिन जितनी ज्यादा हुआ है ना उतना ज्यादा टफ भी हो गया आपके लिए। अच्छी बात है ना कॉम्पिटिशन तो बहुत अच्छी बात है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी है। आप जो खराब लोग हैं इनकी बुरी एक्टिंग होगी वो शायद नहीं टिकेगी। हाँ अच्छा अब जना के जो आंखों पे आप शेड लगा रहे हो वो कौन सा शेड है मुझे बताओ? मैं ब्राउन येलो ये है येलोइश ऑरेंज है ये कलर में लगा रहा हूँ देखिए मस्टर्ड ऑरेंज कलर है और ये सेम मेरे पास कलर मौजूद था तो उसको मैं सॉकेट पे लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस चाहिए। हाँ और इनके कपड़ों में भी है ये पीछे हाँ पीछे पीछे जो वो लुक है उनके कपड़ों में भी है तो आप ये दे रहे हैं ये बड़े सेफ मेकअप होते हैं ना वकार ये टेक्निकली भी टेक्निकली जरा थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं और सेफ इस तरीके से कहते हैं कि इसमें आपके पास मार्जिन बहुत होता है कुछ और आपकी मतलब लाइक आप नीला पीला करते हैं तो आंखें आपकी अजीब लगती हैं ना तो अगर आता नहीं हो आपको मेकअप ये वाला जो आता ना अगर आता ना। अच्छा तो तुम तुमने जैसे होता है ना घर वालों से परमिशन लेना और ये वो ये एक पूरा प्रोसेस होता है तो ना आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी? स्टार्टिंग में बाबा नहीं मान रहे थे बट मैंने उनको बनाया इस तरह कि बाबा आई कैन डू इट। हाँ तो फिर मैं उनको साथ लेके जाती थी जहाँ पे जाती थी ना कोई शूट वगैरह हो तो उनको बताती थी सारी डिटेल्स बाबा ऐसे है ऐसे है तो फिर वो कहते कि ठीक है आप कर सकते हो डू इट कुछ करके अब आना। अच्छा ग्रेट। और कितनी बहन भाई हैं तुम्हारे? हम लोग तीन हैं मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर मुझसे छोटी सिस्टर है और फिर भाई है दे बोथ आर डूइंग BS। तो उनको कोई शौक है लाइक टिकटॉक का? बिल्कुल तो नहीं मुश्किल पढ़ाई है उन्होंने चुनी। हाँ वो लोग बस स्टडी कर रहे हैं। अच्छा ये जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं खास खास होते हैं जिनको एक्टिंग का या जो आर्ट मीडिया से जिनको शौक होता है ना वो खास लोग भी होते हैं। टिकटॉक पे बड़ी लक भी होती है आपकी कोई वॉक कर रहा है तो उसकी वॉक हिट हो गई है हाँ मुझे उसमें एक है अली अली हैदराबाद अरे वो मुझे बड़ा एंटरटेनिंग लगता है वो उसकी वॉक है कोई तो उसकी क्या बात है वॉक की फनी बहुत फनी बनाता है टिकटॉक का एक एल्गोरिथम होता है जिसको मतलब जो चल जाए ना उस पे टिकटॉक ले जाता है। एक है कोई वो कहते हैं अमीरों के बच्चे ऐसे होते हैं तो गरीबों के ऐसे होते हैं वो उसकी भी बड़ी फनी जो फनी फनी चीज है ना आप उससे बड़े रिलैक्स होते हैं कभी कभार आप देखते हैं तो लेकिन कभी कभार जैसे होता है ना हर फील्ड में कोई ना कोई खराबी भी होती है बिल्कुल ऐसा ही है तो यहाँ पे भी ऐसा गड़बड़े करते लोग फायदा उठाते हैं बहुत हो गया अब तो बहुत ज्यादा हो गया कि देखने वाला कोई नहीं है रोकने वाला कोई नहीं है इसलिए मुझे वही होता है कि पता नहीं परमिशन आराम से मिल जाती टिकटॉक पे आने हाँ, तभी मस्ता होता है ना लोग कमेंट्स करते हैं कुछ अच्छे बैड कमेंट्स करते हैं कुछ अच्छे रहते हैं तो वो इशू है। अच्छा फिर ये होता है कि जब लोगों को आज़ादी मिल जाती है एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कुछ लोग आपस से बाहर भी हो जाते हैं। अच्छा वकार ने कौन सा कलर अप्लाई किया वो मुझे मैंने डार्क ब्राउन कलर लगाया है और उसके बाद उनको डार्क ब्राउन कलर दिखा दो मैंने ब्राउन लगाया है मैट पर
करके भूल गए ना ये रहा। ये डार्क ब्राउन कलर है, पानी के साथ आप हल्का सा लग नहीं, मैंने ये ड्राई लगा। अच्छा, इसके ऊपर मैंने ब्लैक लगा। अच्छा, पहले आपने पीच कलर दिया, फिर उसके बाद डार्क ब्राउन कलर लगाया जी, फिर नेक्स्ट आपने ब्लैक कलर लगाया जी। अब मैं ब्लैक कौन सा वाला था? मरून कलर। ओके, जो लाइनर था, इस लाइनर को इन्होंने शेड बना के वकार ने लगाया, वो हल्का सा ब्लैक स्मोकी ब्राउनिश के साथ मिक्स करके लगाया। ठीक है, आपका क्या इरादा इसके साथ, आप डार्क लिपस्टिक देंगे कि लाइट देंगे? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा लाइट। अच्छा, ठीक है, स्मोकी मेकअप है, लेकिन आप देखिए बेस बहुत सॉफ्ट रखी है, वो उसकी पीच से शुरू की, फिर डार्क कलर पे गए ब्राउन और फिर ब्लैक पर आए। उसकी रीजन ये है कि ये यहीं से कहीं से झलकेगा वो पीच कलर, डार्क कलर के नीचे से कहीं से झलकेगा। हम शुरू में मेकअप करते थे डार्क से शुरू कर रहे थे, फिर लाइट पे जा रहे होते थे ना वकार। नहीं, अब देखिए आप बेस अच्छी लगाए लाइट और फिर इसको सॉफ्ट कॉर्नर्स के साथ देंगे। ठीक है, अभी तक आपने कोई शिमर का इस्तेमाल नहीं किया है सच? मैंने किया उस वाली। अच्छा, यहाँ पे आपने हल्का सा शिमरी आई शेडो है, ये हल्का सा, यहाँ बिल्कुल अभी मैट जा रहे हैं आप, है ना? अब जो भी शेड गिरा है वो आंखों के नीचे से साफ करके फिर बेस अप्लाई की जाएगी, ताकि मैं भी पहले ऐसे ही करती थी ना, पहले बेस लगा ली फिर आई मेकअप किया, तो यहाँ इतना कोई शेड गिर जाता था, इतनी प्रॉब्लम होती थी। अब मैंने भी उल्टा शुरू कर दिया मेकअप, पहले आई मेकअप फिर बेस। और बहुत ज्यादा हाइलाइटर की एप्लीकेशन ना करें। अच्छा, अगर किसी की छोटी आंख है तो ये जो मेकअप आप अभी कर रहे हैं ब्लैकिश, ये उसको यहाँ पे करना चाहिए? अगर सॉकेट के अंदर है, अगर पूरी ऊपर तक ले जाएंगे तो फिर बुरी लगेगी, तो फिर बुरी लगेगी। अच्छा, छोटी आंखों वाला करें, लेकिन मैं आना रवि में बिल्कुल थोड़ा सा बारीक, मतलब कम करें, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल यहाँ आईब्रो तक ले जाए तो बिल्कुल यहाँ लगेगा कि बस घूसा मार रहा है। अच्छा, अब हम इनके लैशेज अप्लाई कर रहे हैं। आपको लैशेज आंखों के हिसाब से काटें पहले, ठीक है? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोग करते हैं, अगर फोकस कर सके मेरा, बिल्कुल फोकस करें, कि आपने पहले इनर साइड पे लैश पे लगाया गम, हाँ, फिर इसके अपर साइड पे लगाया। ओके, अच्छा, इनर पे आउटर पे दोनों पे जी, ताकि वो अच्छी। उसके बाद अब आपने इसकी शेप बनाई। आप इसको जब थोड़ा हल्का सा सुखा लेंगे फिर लगा। अच्छा, तुम किसे आइडियलाइज करते हो? एक्टिंग में तुम्हारा शौक है जना, तुम किसे आइडियलाइज करती हो कि मैं उस एक्ट्रेस जैसी एक्टिंग करूं? तुम्हारे फेवरेट्स कौन है? सबा कमर। सबा कमर है और फिरोज खान। ओह, फिरोज खान लड़कों में और सबा कमर लड़कियों में, इतने आजकल तुम्हारे फेवरेट्स हैं। सबा कमर के अलावा माया अली जो है ना, उनकी एक्टिंग, उनकी एक्टिंग भी आपको अच्छी लगती है? माया अली, उनकी स्टोरी जब इंस्पायरिंग स्टोरी सुनती हूं ना तो हां। ओके, ठीक है, हमने आई मेकअप आपको दिखा दिया है, बेस दिखा, बेस तो अभी नहीं हुई है, बेस अभी नहीं हुई है। हाँ, मुझे थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, ब्रेक पे जा रही हूँ, कि इनकी बेस कौन सी? बेस में डार्क लगाऊंगा मैं। डार्क लगाएंगी, कौन सा ब्रांड? 45 मैट। 45 मैट पे ही जाएंगे, लिक्विड बेस पे ही जाएंगे? नहीं नहीं, लिक्विड है ना मैट? लिक्विड लिक्विड लिक्विड। और वो 45 नंबर आप अप्लाई करेंगे और हम आपको फिर ये दिखाएंगे कि लाइक आपको गोरा बेस लगाने की जरूरत नहीं है, जब आप आपको नजर आएंगी चारों, देखते हैं कि जरनाब कैसी लगती है तैयार होके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए तो जरा, उफ, ये ब्रेक के दौरान क्या कमाल कर दिया, मैं सारी बातें पूछने वाली, ऐसे नहीं जाने देने में। जनाब की जो आंखों पे काजल लगाया है, ओहो, अच्छा, हर आंख पे काजल नहीं अच्छा लगता। हाँ, लेकिन मुझे जनाब की आंख देख के मुझे लगा कि ये काजल सूट करेगा, है ना? अच्छा, और अक्सर होता है मुझसे लोग पूछते हैं, भाई वकार हमारा क्या मेकअप करेंगे आप? मैंने कहा ये मैं कुछ नहीं बता सकता, जब ये तो मैं करते करते आइडिया होता है। अब आप देखिए, ब्राउन पीच ब्लैक, इसको मिक्स करके जो स्मोकी मेकअप मजेदार निकला है, बहुत नहीं लग रहा है। हाँ, और काजल दिया है, काजल को भी आपने क्या स्प्रेड किया ब्राउन कलर? जी, मैंने ये देखिए, मैं आपके सामने काजल लगाने के बाद, ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं। हाँ, मैंने काजल को हल्का सा ब्राउन शेड, वो ब्राउन शेड दिखाओ, कौन सा वाला है भाई जो ये? और मैंने इसके नीचे देखिए ऑरेंज का भी शेड दिया है।
अच्छा, ब्लेंड करते वक्त पहले आपने ब्लेंड किया इस कलर से काजल को, और फिर ऑरेंज का कौन सा शेड है? ये वाला जो आपने पहले दिखाया था, ये देखिए भाई, ये वाला ऑरेंज का शेड पे उसी ब्राउन के नीचे ऑरेंज का शेड दिया है ताकि वो और सॉफ्ट लुक आ जाए। और लैशेस तो जाहिर है लगाना दिखा रहे थे आपको, उसके बाद आई मेकअप अब पूरा कम्प्लीट हो चुका है जरनाब का। जरनाब तुम्हें खुद मेकअप का शौक है? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किस चीज का शौक है तुम्हें? जैसे होता है ना कुछ, हर किसी को कोई ना कोई शौक होता है, किसी को कपड़े जमा करने का, किसी को जूते। हाँ, मुझे ड्रेसेस का बहुत है, मतलब मैं एक दफा पहन लेती हूँ ना तो फिर मैं दो तीन चार माह कहती हूँ कि अब मैंने ये दोबारा नहीं पहना, देख लिया अब मैं दूसरा बना रही हूँ। डिजाइन करती हूँ अपने कपड़े? नहीं नहीं, डिजाइन नहीं खुद करती, बाय कर लेती हूँ। अच्छा, बने बनाए। अच्छा, जरनाब के चेहरे पे थी कॉन्टोर की भी ऐसा जितनी जरूरत नहीं है ना, छोटा चेहरा है। और ब्राइडल के मैं इतनी कॉन्टोर करता नहीं हूँ जितनी मैं भी कर रहा हूँ, मगर क्योंकि अभी हम कैमरा के लिए मेकअप कर रहे हैं तो इसलिए हमें थोड़ी सी कॉन्टोर की जरूरत है, अदरवाइज आपको नजर नहीं आएगा स्किन के ऊपर। जनाब तुम्हें मॉडलिंग की ऑफर आई है कभी? आई थी बट मैंने कहा नहीं, एक्टिंग करनी है। हाँ, एक्टिंग से शुरुआत करो, जो चीज जिससे आप प्यार करते हो, जो आप करना पसंद करते हो, वही बेहतर होता है। शौक हो इंसान को वो करना चाहिए। कि तुम्हारी हाइट भी अच्छी है, कितनी हाइट है तुम्हारी? 5.6। हाँ, तो हाइट भी अच्छी है और फीचर्स भी मॉडलिंग वाले नहीं पक्का? अभी आप देखे ना, मेकअप की बात चेंज हो गई, आज तो दिल भर के टिकटॉक बना। अच्छा, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं जब भी, मतलब मेरी कोई लुक होती है, मेरे से मिस हो जाता है टिकटॉक बनाना, वीडियोस बनाना, हमेशा मिस हो जाता है। ओए ओए। अच्छा, ब्लश ऑन कौन सा दिया वो भी मुझे दिखाएं प्लीज। याद है तो आपके साथ ही दिया था ये, मेरे साथ कब लिया था मुझे याद नहीं, जब आपके लिए दिया था बेनिफिट का। अच्छा हाँ, ये बेनिफिट का पीछी पिंकी पीछी ब्लशन है जो कि जरनाब की कॉम्प्लेक्शन पे बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये देखे शिमर कौन सा दे रहे हैं? मैक का शिमर, ये तो मैक के आप पुराने हर कॉम्प्लेक्शन पे शिमर अलग तरीके का यूज होता है। जरनाब की कॉम्प्लेक्शन पे वकार ने गोल्डन शिमर यूज किया है, उसके पे व्हाइट किया था। अच्छा, उसके पे व्हाइट शिमर यूज किया था, ठीक है। शिमर जिसे हिस्सा बन गया है ना ब्राइडल मेकअप का, नॉर्मल मेकअप का ही आजकल। हाँ, अब लेकिन ये कि जैसे जो शिमर पहले होता था कि आंखों पे भी लग रहा है, तो गालों पे भी लग रहा है, वो पूरा मुंह लग रहा है, पानी से चमक रहा है, बस अब साइड्स पे, साइड्स पे वो क्रेज आता है ना ये, बस हाँ अब थोड़ा कम कर दिया, वरना पसीने वाला मुंह लग रहा होता था। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, आप शुरू में जब ये ट्रेंड निकला कि बहुत शिमर और बहुत चीजें, मैं तब भी बहुत नहीं लगाता था, मुझे लगता है कि गब्बा चला हंस के जाल अपनी जान भूल गया। तो अब लाइट सी लिपस्टिक दी जा रही है और जरनाब का पूरा लुक तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हम किसको बुला रहे? माही को, माही को बुलाएंगे, माही की बेस हो चुकी है तो हम माही को बुलाएंगे अब। और ये ऑलमोस्ट शी इज डन स्माइल, बेस मैंने क्योंकि सब बेस कर दी थी माई की ताकि टाइम शॉर्ट है और सब दुल्हन तैयार हो सके टाइम पर। वेरी नाइस वगैरह। आपने अपना सैलून भी शिफ्ट किया है ना? जी, मैंने अपना सैलून शिफ्ट किया है, लेकिन वो है वही मदीर हॉल पे ही। अच्छा, मदीर कैन के पास, और जरा थोड़ी बड़ी जगह ली है मैंने। अच्छा, और अभी ब्राइडल्स तो अब शुरू हो जाएगा मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नाइस, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लुक आ रही है। वही मैं ये दिखाना चाहती थी कि टिकटॉक पे इन लोगों को अभी मेकअप इतना अपना करना नहीं आता, ये खुद ही थोड़ा बहुत मेकअप कर रहे होते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनली आप इनको देखेंगे, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर कोई आ सकता है, लेकिन वहाँ से भी छन कर लोग आगे पहुँचेंगे। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि चारों बच्चियाँ आप देखें मेकअप प्रॉपर प्रोफेशनल हाथ में जब आएंगी तो कितनी अच्छा इनका लुक आ रहा है। देखिए, हमने इनकी आंखों पे शिमर नहीं दिया, हमारे पास मार्जिन था कि हमको ग्लॉस की तरह लगा सकते। वेरी नाइस, लाइक आंखें मैट है तो लिप्स पे हल्का ग्लॉस है, रेडी है ये दुपट्टा पहना देते हैं बस, और हम इनकी फाइनल लुक दिखाएं, फिर नेक्स्ट माही आएंगे यहाँ पे। चलो, खड़ी होना पड़ेगा तुम्हें, है ना? खड़े हो कि बैठे? नहीं, खड़े हो। हाँ, दिल मेरा कोई ले जाए इस
से क्यों पड़ा के आशिक आवारा है मन चला रखा था जो निगाहों से बचा के दिल सीधा सादा है मुश्किल इरादा है ओ ओ ये निराला है धड़कन पे ताला है आपको मॉडलिंग से ज्यादा एक्टिंग का शौक है तो मैंने कहा था ना कि कोई इसको डायलॉग देंगे या कोई डायलॉग डिलीवर करेगी माइक लगा है ना जनाब जी बिल्कुल हाँ जनाब अब जो तुम शादी के जोड़े में मलबूस हो तो उसमें कोई ऐसा डायलॉग बोलना है कुछ कुछ कोई मूवी खाई से रिलेटेड वकार तुम्हारा अब्बा बन जाते और तुम रुखसत हो रही हो और अपने अब्बू को तसल्ली दे रही हो मैं घर दबा करके आऊंगी नहीं बस आप अपना ख्याल रखिएगा उधर देखो कैमरा ऑनर थोड़ा इस तरफ होना है आज मैं कहां से लेके आऊं मैं हैप्पी ब्राइड हूं आई एम अ हैप्पी ब्राइड आप अपना ख्याल रखिएगा अम्मा का भी ख्याल रखिएगा और मैं बिल्कुल ठीक हूं ठीक है आई विल बी फाइन बड़े दिन अच्छा अब तुम अब वकार जो है लुक चेंज हो गया वकार का ठीक है कैरेक्टर चेंज हो गया वकार को तुमने मतलब लाइक शादी नहीं की उससे बिच करा दिया है किसी और से शादी कर रही हो तुम ओके तो तुम अब शादी वाली राती नहीं नहीं मैं उसको बोल रही हूं अब तुम्हारी रुखसती हो रही है और ये बेचारा कुर्सियां लगा रहा है वहां पे ठीक है ना अब तुमने जो है वो डिच करा दिया है एकदम कि तुमने अपने अम्मा अब्बा की पसंद से शादी कर ली है ठीक है समझ आ गई समझ आ गई बकार हाँ जी सॉरी एक दफा वंस मोर देखो तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी था ना सब खत्म हो गया आज मेरी शादी और आज के बाद ना मुझे कभी कॉल और मैसेज मत करना मैं तुम्हारा नंबर ना ब्लॉक पे लगा रही हूँ समझ में आया आ गया गुड बाय गुड बाय बकार का सारा ध्यान इस वक्त मेकअप पे लगा है अच्छा मेरा जरा ना सीएनजी पेट्रोल वाला हिसाब है पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाओ तो सीएनजी पे जरा धक्के देके शिफ्ट होना पड़ता तो ऐसा लड़का आराम से मान गया ना कुछ ना कोई ब्लैकमेल किया ना कुछ नहीं लेकिन ये कि भाई तुमने अपने जौहर थोड़े बाद दिखा दिए अभी मैं और तुम्हारे डायलॉग सोचती हूँ फिर तुम अकेले ही करना कैमरे में देख के जिस तरह टिकटॉक पे करते हो ना जो डायलॉग तुम्हें बेहतर लगता है वो डायलॉग निकाल के बताओ वो हरीन ने हरीन दुल्हन बनी हुई थी उस फिल्म में ना जरा वो वाला कुछ सोच के मुझे बता ओके अब हमारे पास माही आ गई है माही को क्या बेस दी है आप लोगों ने माही को बहुत लाइट बेस दी है माही की स्किन थोड़ी सी ड्राई है पानी क्यों नहीं पीती माही तुम पता नहीं पीने में कम आता टाइम ही नहीं मिलता और फिर भी उसके अलावा पानी पीने के लिए टाइम नहीं माई तो तुम तुम्हारा क्या रूटीन होता है सुबह उठती हो क्या करती हो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इससे पहले कॉलेज था अब तो लॉकडाउन नहीं चल रहा अभी नहीं चल रहा पहले शुक्र है लॉकडाउन कॉलेज नहीं खुला ना अभी अच्छा फिर क्या कॉलेज था फिर कोचिंग था फिर उसके अलावा अभी हम गेम शो वगैरह कर रहे हैं अच्छा हां गेम शो में भी जाती तुम जी अभी हम बोल के साथ थे अच्छा तो अभी जो है रूटीन सिर्फ फ्री हुई क्योंकि लॉकडाउन अभी खुला ही है तो कॉलेज वगैरह खुले नहीं है अच्छा अब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है हाँ लेकिन पानी का टाइम क्यों नहीं मिलता ये बताओ बस नहीं, बस पिया नहीं जाता पिया नहीं जाता पानी में कुछ डाल के पी ले बहन स्किन को अच्छा ये बड़ा अच्छा एक टेक्निक है कि अगर आपके पास आपको खुद को पता है कि आप पानी नहीं पीते और डिहाइड्रेटेड स्किन है तो आपने एक मैट का फिक्सर स्प्रे है वो आपने बेस लगाने के बाद डाला ताकि वो पाउडरी लुक ना आए हाँ ठीक है आपने सॉरी मैं दोबारा रिपीट करूंगी आपने इसके ऊपर बेस कौन सी लगाई थी मैंने इसकी जो फाउंडेशन लगाई है वो मैंने स्टिक फाउंडेशन लगाई है उसके ऊपर थोड़ा मैक लगाया है मिक्स करके क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो मैंने अगर मैं डायरेक्ट क्रीम लगाऊंगा तो वो पैच पड़ जाएगा और पैच पड़ जाएगा और लाइंस भी पड़ जाएगी एग्जैक्टली ठीक है तो वैक्स बेस होती है स्टिक तो जिन लोगों की स्किन थोड़ी ड्राई और डिहाइड्रेटेड होती है उनको स्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए मतलब लाइक वो लिक्विड बेस का इस्तेमाल ना करें ठीक है इनका आई मेकअप कैसा दोगे शिमरी हल्का सा या क्या शिमर कर रहे हैं और बहुत सॉफ्ट रखेंगे अच्छा ठीक है माही की क्या ख्वाहिश है फ्यूचर प्लान्स क्या है माही ने क्या बनना है दुल्हन के अलावा एक्टिंग करनी है मुझे हां माही एक और एक्ट्रेस भाई एक्टिंग में है और इवेंट मॉडलिंग का भी है
मॉडलिंग एक्टिंग दोनों में ही है इस इन सब चीजों का शौक है बिल्कुल स्टार्टिंग से ही एक साल हुआ तो मैं भी टिकटॉक बनाते हुए वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी अच्छा तो ये किस तुमने आइडिया कैसा आया कि भाई अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो चलो मैं टिकटॉक से ही शुरुआत कर लेती हूँ आइडिया किसको देख कर आया आइडिया नहीं आया था बस ऐसे ही रैंडमली पहले तो टिकटॉक से पहले म्यूजिक ली था टिकटॉक का नेम बेसिकली हाँ. म्यूजिक ली था तो वो काफ़ी टाइम लोग यूज़ करते थे देन मेरा भाई है छोटा हाँ. वो उसने मुझे दिखाया था कि दी ये ऐप आपने चेक किया हाँ. तो मैंने बोला नहीं तो पहले तो मैंने एक फेक अकाउंट बनाया था अच्छा अपना बताया ही नहीं कि मैं हूँ हाँ ये किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ क्यों अम्मी वगैरह मना करती क्या घर पहले मना करते थे कि पिक्चर्स अपलोड नहीं करो तो मैंने उसका नेम है मेरा बेसिकली तुमने अपना मुंह छुपा के पिक्चर अपलोड की क्या किया नहीं अपलोड मैंने कर दी थी हाँ. तो उसके बाद जब मेरा भाई टिकटॉक के लिए आया ना तो मैंने उसी आईडी से अपना टिकटॉक कनेक्ट कर दिया अच्छा तुमने अपनी पिक्चर अपलोड करने के बाद नीचे नाम लिखा होगा प्रिंसेस फलाना नहीं मैंने माही शेख ही लिखा था बाबा की लाडली या कुछ नहीं माही शेख लिखा था कुछ भी नहीं लिखा था अच्छा क्या क्या होते फेक नाम और बताओ जरा बाबा की परी परी डॉल यार और उसी उसी से ज्यादा कमेंट आते हैं ना उस तरह के फेक अकाउंट होते हैं मैं कभी इंस्टा पे जाके देखती हूँ आप तो बहुत मोटी हो गई हैं कौन है ना देख रहे तो कोई आएगा बेबी डॉल या कोई मैं समटाइम्स रिप्लाई करती थी इंस्टाग्राम पे ये समझ के कि चलो लड़की है वो आगे से लड़की नहीं होती कोई और निकल आता है ये क्या चक्कर है वैसे ये क्यों बेचारे लड़कों को लिफ्ट नहीं मिलती जो लड़कियां जो हैं बंद करती ना तभी तो करते हैं सब अजीब है लड़कों को पता नहीं क्या होगा फिर वाकई में यूं ही हो जाएंगे आप लोग अगर खाना करते रहे हाँ अच्छा इसमें कौन सा कलर इस्तेमाल किया है हम सब पर्पल उठाया है वही पर्पल जो पहले लगाया है कहाँ है वो पर्पल मैंने पर्पल मैं भी आपकी जान ये है ना वो थोड़ा सा काम हो गया मैंने ये वाला उठाया है पर्पल और साथ साथ मैंने ये लिया है और ये उठाया क्योंकि यहाँ तक कैमरा नहीं पहुँच सकता तो मुझे बताना पड़ेगा कि पर्पल कलर में कितना जादू होता है ये देखें भाई ये एक पर्पल कलर है जो मेरे हाथ पे मैंने लगाया है ये देखें यहाँ पे ये मैंने हाथ पे लगाया ये पर्पल कलर लिया है बकार ने और दूसरा पर्पल कलर ये वही पुराना वाला इन दोनों पर्पल कलर को लेके क्योंकि पिंक के साथ पर्पल कलर का ज़्यादा अच्छा जोड़ होता है वो पर्पल कलर लेके अगर आप फ्रीज देंगे क्योंकि ब्राउन से ना फिर बहुत हल्के हल्के से लगते हैं पर्पल से थोड़ी सी एक पिंकिश एक वॉर्म्थ आ जाती है पिंक कलर शिमरी कलर उठा रहे हैं आपने कहा था ना शिमर नहीं लगाया हाँ वही पहले आपने आउटलाइन दिए कॉर्नर्स आउटलाइन वो दिए उसके बाद आपने कौन सा शिमरी है ये वाला ना ये वाला कलर उठाया ये इसकी मैं आपको भी दिखा दूँ इसकी पिगमेंट ये है और अगर किसी के पास पिगमेंट वाले शेड्स आई शेडोज नहीं है तो उसको पानी से मिलाकर लगा लें क्या करें भाई हैं इनमें तो पानी के अलावा फिक्सर्स भी मिलते हैं मार्केट पे अच्छा फिक्सर भी मिलते हैं क्योंकि कुछ शेड्स हैं जो आपको दिखने में नजर आ रहे थे वो होते ही नहीं इतना नीचे मुँह चला गया ना मेरा कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हाँ ठीक है ये मुझे देखना है कि आपके अंदर फीलिंग कैसी होती है ये लाइट कलर अच्छा बकार बहुत सारे लोग बकार ये क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे भी डार्क कलर दे रहे हैं इनर कॉर्नर पे भी वो जरूरी है वो उस डिपेंड करता है कि आपकी आंख कैसे आप मेकअप कौन सा करेंगे आप ड्रामेटिक लुक पे जा रहे हैं हाँ. तो अगर आप अंदर कॉर्नर दे देंगे तो थोड़ी सी आंख भर जाए इस टाइप का स्मोकी के बीच में शिमर लगा देते हैं अच्छा तो उससे जरा आंख और डिफरेंट डिफाइन हो जाती है ज्यादातर ये उन आंखों पे होता है जो बहुत बड़ी आंख ठीक है एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और माही इस वक्त बैठी हुई हैं वकार के सामने और इनका सॉफ्ट सा मेकअप हो रहा है एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो काफ़ी हद तक हो चुका होगा लेकिन मैं डिस्कस कर लूँगी और उसके बाद नंबर होगा उसका उस बच्ची का जिसकी आईब्रो नहीं बनी हुई अम्मी ने बनाने नहीं दी ठीक है ना फजीला गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ में माही भी प्रॉपरली सब तैयार हो चुकी हैं और सबसे अच्छी बात ये वकार कि आपने इनको बहुत ओवरडू मेकअप नहीं किया मैं बहुत सॉफ्ट रखा है हैं उसमें इनको रखा है होता ना कभी कभार बैक कॉमिंग करके बहुत ज़्यादा हैवी और वो एक लुक दे दी जाती है माही भी तैयार हो चुकी हैं उनको सॉफ्ट कलर्स का इस्तेमाल किया गया उनको मेकअप के लिए और अब फजीला अम्मी की प्यारी बेटी अम्मी की लाडली है ना फजीला भाई अम्मी ने मेरी पिटाई करनी है आज उनको हिचकियाँ आ रही होंगी तुम्हारी पिटाई होगी क्यों मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया
तो जी भाई तैयार हो गई है और फजीला का आप टिकटॉक पे सही मैसेज आएंगे, आप आईब्रो बना लें, आप प्लीज आईब्रो बना लें, आप सही मीम्स बना है ना, अब आप बना लें आईब्रो। तो सब, जी सबसे पहले दोस्त लेंगे पूरे शो में तुम्हारे आईब्रोज के बाद। टीवी पे बहुत सोच समझ के बात करनी होती है इसीलिए ठीक है ना। तो फजीला की अब ये देखे आपके पास ऐसी दुल्हनें भी आती होगी जिनकी आईब्रोज नहीं बनी, क्या करते हैं आप उनके साथ? जो भी कर रहा हूँ देखें आईब्रो उनकी मैंने खाली कलर से बना दी। ओके प्रोमिनेंट हो गई अभी लोग। अच्छा भाई इससे यहाँ क्योंकि फजीला का मेकअप हो रहा है तो मैं फजीला से थोड़ी सी बात भी करूंगी। फजीला का क्या ख्वाब है आगे, क्या करना है फजीला? स्टडीज कंटिन्यू करनी है इंशाल्लाह। क्या पढ़ रही हो अभी? सेकंड ईयर हो गया, अभी यूनि स्टार्ट करनी है। तो लॉकडाउन हो गया तो यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट लोगी? बीबीए। अच्छा मुझे एक बात आज से समझ नहीं आई। हाँ कि अब लोग ने यूनिवर्सिटी को यूनि क्यों कहना शुरू कर दिया? ये स्टाइल है यूनि। मैंने अक्सर मेरे पर क्लाइंट आ रही होती है कि नहीं असल में हम यूनि जाते हैं ना, मैंने कुछ अब कौन बोले सब लेजी हो गए यूनिवर्सिटी। मुझे लगा कि ये यूनि क्या होता है, मतलब मेरे का यूनि क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में। अच्छी यूनिवर्सिटी आपके जमाने में यूनिवर्सिटी पूरा यूनिवर्सिटी बोला करते थे ना पूरा। अच्छा तो तुमने बीबीए करना है, बिजनेस वुमन बनना है या फिर अम्मी शादी कर देंगी? नहीं नहीं वो शादी का नहीं कहती। शादी का नहीं कहती क्या? वो क्या चाहती है तुम क्या बनो? वो चाहती है मैं स्टडीज पे ध्यान लूं। हाँ, और मतलब हाँ नहीं अब तो बनाने देती है, अब बनाने देती है, अब नहीं कुछ कहती। तो तुम कभी ऐसा हुआ तुमने छुप छुप के टिकटॉक बनाया है? नहीं 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 बनाया था, सबके सामने बनाया, सबको पता चल गया। कभी ऐसा हुआ टिकटॉक बनाते हुए तुम गिर गई हो? जैसे होता ना कोई ना कोई कुछ होता है बनाते बनाते कोई नीचे गिर गए या कुछ ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है? नहीं नहीं मैं नहीं गिरती, फोन गिर जाता है। हाँ तुम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है? मेरा तो टूट भी गया है। कोई खराब हो गई, लिपसिंग आउट हो गई, तो ब्लूपर्स भी तुम टिकटॉक पे डाल देती हो? अच्छा वो भी वो वायरल हो, ज्यादा वायरल होते हैं। तो नहीं होते सही बात, मेरे तो नहीं हो। तुम कभी तुम डांस करते करते अटक के गिर गई हो, कुछ ऐसा हुआ? अच्छा हालांकि मैंने ऐसा तो नहीं हुआ, बट थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं ना एक 5-6 दफा बना के चेक करती हूँ, अच्छा अब प्रॉपर है। मुझे टाइम लगता है काफी। मैं इससे पूछती हूँ कि सबसे बेहतर ये है, मैं खुद से ही पूछती हूँ, खुद से मुझे पता होता है कि कौन सी चीज बेस्ट होगी। हाँ नहीं और आजकल वो भी तो है, वो चैलेंजेस भी तो देते हैं जी। हाँ वो उनके ऊपर चढ़ने का चैलेंज, लेकिन वो मुझे वो अली हैदराबादी बहुत मजे करते, वो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगता है। हां बहुत ज्यादा। अच्छा बात सुनो, वो ये तुम लोगों को किसी ने कोई चैलेंज दिया है कभी? नहीं मैं एक्चुअली मैं कभी भी किसी म्यूजिक के साथ मैं अटैच ही नहीं होती। मैं सिर्फ कराची आई तो शेज के साथ डांस वीडियोस बनाई। अच्छा मैंने दिया था। तुमने क्या चैलेंज? मैंने एक चैलेंज दिया था, बेसिकली वो स्क्रिप्टेड था, मुझे खुद उन्होंने ही कहा था। अच्छा तो मैं लाइव में बता रही हूँ बात। हाँ थी ये नदीम नानी वाले से मेरी बात हुई थी, नदीम नानी वाले वो रहते हैं लंदन में, तो काफी वो चैलेंजेस दे रहे थे, तो मैंने उन्हें खुद से ही टेक्स्ट किया ना कि क्या आप चैलेंज खेलते हो? उसके ऊपर कहेंगे माही तुम एक काम करो ना, तुम भी मुझे चैलेंज दो। मैंने कहा मैं क्या चैलेंज दूँ? तो मैंने कहा, कहने लगे तुम मुझे चैलेंज दो और तुम ये बोलो कि अगर मैं आप मेरा चैलेंज पूरा कर लेते हैं तो मैं आपसे शादी करूँगी। अल्लाह में मैंने बोला शादी? मैंने बोला ये तो आवाम काफ़ी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठा लेगी। तो कहने लगी नहीं काफ़ी अच्छा जाएगा, अकाउंट भी ट्रेंडिंग पे लगेगा ये वो। फिर मैंने बोला नहीं मैं प्रपोजिंग कर देती हूँ। हाँ। तो कहने लगी नहीं शादी का बोलो। अच्छा फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके ट्राई कर लिया। मैंने ट्राई कर लिया कि मैंने उन्हें चैलेंज दिया। कहने लगी ऐसा चैलेंज देना जो मैं पूरा नहीं कर सकूँ, बट जो है क्या कहते हैं और बात भी ख़त्म हो जाए। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर कहने लगे क्या दोगी? मैंने कहा देखिए। फिर मैंने उन्हें चैलेंज दिया कि आप सबको चैलेंज दे रहे हैं, आपने अली खान को चैलेंज दिया कि आप ऊंट पे वॉक करो, मैं आपको दुबई बुला लूंगा। तो अपना चैलेंज तो बताओ। तो मैंने उन्हें बोला आपको मैं आपका ही चैलेंज देती हूँ कि आप खुद ऊंट पे वॉक करें, क्योंकि मुझे पता था लंदन में कहां से ऊंट ढूंढने का बेचारा, लंदन में तो ऊंट होंगे ही नहीं। और अगर आप सही शॉक्ड होगी, मैं कह यार बंदी ने क्या कॉन्फिडेंस से बोला है, बच गई तुम। सुने सुने बड़ा तुम्हें नुकसान होके लंदन जाना पड़ता है। तो कहते हैं
मुझे कहते हैं ना, मैंने बोला मैं नदीम नानी वाले को चैलेंज देती हूँ, अगर वो उन्हीं का चैलेंज, अपना ही चैलेंज वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर उसे दुबई जाके ऊंट पे वॉक कर ली फिर क्या होगा? नहीं करते, क्योंकि वो बंदा सबसे चैलेंज लेता है। अच्छा अच्छा, मतलब पूरा नहीं करता, हमेशा देता ही है, या तो उनका यही है। या इट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट। अच्छा, मैं थोड़ा मेकअप की तरफ वापस आ रही हूँ, ठीक है ना? मुझे प्लीज गाइडलाइन दे कि क्या किया आपने वकार? मैंने बस इसकी कॉर्नर्स पे जो है वो मैरून कलर लगाया है। हाँ, मैरून कलर लगा के मैंने आज कल बेटा आज कल मैंने एक गोल्डन कलर फ्रंट पे दिया है। ओके। और उस पे जो है वो मैंने लाइनर अप्लाई किया है। ओके। अच्छा, हाँ। एक चीज भी आप बताओ, जैसे फर्स्ट में जेल लाइनर नीचे लग जाए, ठीक है, कॉटन बट पे, हाँ, ऊपर देखो बेटे रिमूवर लगा के, जो रिमूवर, जो आई मेकअप रिमूवर, रिमूवर नेल रिमूवर, ठीक है, ज्वेलरी जो सबने पहनी हुई फैशन वुड बाय बुशराली की है, कपड़े हारिस शकील के हैं बहुत खूबसूरत, और ये सारी जो टिकटॉकर्स हैं अपनी अम्मी अब्बू की। अच्छा, इससे पहले कि ये मेकअप खत्म हो रहा है, मैं तुम्हें चैलेंज, चलो मैं भी, अब मुझे भी चैलेंज की बीमारी हो गई है ना, ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। ओवर टू जरनाब, अपने स्टाइल में जैसे आप करना, डायलॉग्स समझ आ गए आपको जरनाब? चलो चलो बारात आ गई है, हाय अल्लाह बिरयानी कितनी अच्छी थी। हाँ, आगे और तीसरा था वो कि हाय अल्लाह लड़की भाग गई, ये तो मैं, मुझे भी एक्टिंग का जोश आ गया। और तीसरा और चौथा क्या था? चलो चलो बारात आ गई है, बिरयानी कितनी अच्छी थी, हाय दुल्हन भाग गई, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। ओके, गुड गर्ल, वाह भाई, देखिए ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर कितने मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, यहाँ लाइव ऑडिशन दे के मैं बच्चियों को, और वो आप, आपके लिए नई एक्ट्रेसेस जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कैसी लग रही हैं, कितनी कॉन्फिडेंट है, कैसे बातें करती हैं, इनका लहजा क्या, एक्टिंग करने के लिए आपका लबो लहजा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो एक कपल है जो आपके अभी आया था वो भी यहाँ से एक्टिंग आ गया। अच्छा, आपने रेड लिपस्टिक दी है भाई इनको, थोड़ा सा टाइम रह गया है, इनका मेकअप कंप्लीट होने वाला है, रेड लिपस्टिक दी है फजीला को, अम्मी डांटेंगे तो नहीं, रेड लिपस्टिक लग रही है, लेकिन फजीला पे अच्छी लग रही है, रेड क्यूट क्यूट सी लग रही है, गप्लू गप्लू। हाँ, मुझे बार बार कैमरा मैन दूर किए जा रहे हैं दुल्हन से। अच्छा, और किसको एक्टिंग का शौक है तुम्हें ना माही? भाई तुम कोई कैमरा अगर तुम्हारी तरफ करूँ, तुम तुम्हारे दिमाग में कोई डायलॉग्स हैं तो तुम कैमरे को देख के ही बोल सको, कोई है दिमाग में? अभी दिमाग में तो नहीं है, बट आप कहेंगी तो मैं कर लूँगी, कर लूँगी, करवाऊँ क्लोज तुम्हारा, यही वाला कर लो, नहीं अगर ये वाला करना है तो ये कर लो, वरना दूसरा कोई मसला नहीं है, यही कर लेती हूँ। क्या था? चलो चलो बारात आ गई, चलो बारात आ गई, बिरयानी कितनी अच्छी थी, और दुल्हन भाग गई, बिरयानी कितनी अच्छी थी, हाँ दुल्हन भाग गई, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। चलो भाई, ये तो भी पहले पहले इसने ऑडिशन दे दिया है, और अब हमारी आखिरी ब्राइड भी तैयार हो चुकी हैं, दो वलीमा लुक्स हैं इधर और दो ब्राइडल लुक है, एक बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट हमने वकार के साथ किया टिकटॉकर्स को ब्राइडल मेकअप करके। अब आपने शायद इनका टिकटॉक ऐसे नहीं देखा होगा जिस मेकअप में आज वकार, हो सकता है तुम लोग टिकटॉक बना लो, अगर तुम्हें बना लेना, अगर पिन दो जल्दी से, टाइम नहीं है क्योंकि मैं प्रोग्राम ख़त्म करने में कहाँ जाऊँ। अब जाने का टाइम आ गया है और फजीला भी तैयार हो गई हैं। फजीला तुम्हें तुम्हें एक्टिंग का शौक नहीं है? अब है तो टिकटॉक बना दी, अब है तो फजीला तुम्हें अगर एक्टिंग करनी है तो तुम ये डायलॉग रिपीट कर सकती हो, करनी है कि नहीं? कर लेते हैं। तुमने तुम्हें करनी है? अच्छा, जब तक फजीला यहाँ उसमें बिजी है, कैमरा जो है हम इस फोकस करते हैं हम जन्नत की तरफ, सामने नहीं आना कैमरे के, ठीक है? वो वाला कौन सा कैमरा है? हमजा वाला कैमरा। ओके ओके जी, आपका क्लोज है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो चलो बारात आ गई है, हाय अल्लाह बिरयानी कितनी मजे की बनी थी, तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया।
हैला दुल्हन भाग गई ना, हाय अल्लाह दुल्हन भाग गई जी। अब पहले बॉक्स से पहले तुम, अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है चाह रही हो करना या दुल्हन बन के शर्म आ रही है कर लोगी? शर्म आ रही है, तुम वॉक कर लो खाली भैया जी, देरी ऑडिशन इसने मना कर दिया। प्रोग्राम थैंक यू माही, जन्नत और फजीला, आप चारों का बहुत शुक्रिया शो पे आने का। हमने आपका इंटरव्यू लिया, थोड़ा बहुत चिट चैट हुई, आपकी वीडियोस दिखाई और आपको एक ब्राइडल लुक दिया जिस लुक में लोगों ने पहले आपको नहीं देखा था। फ्यूचर प्लान्स? माही और जन्नत एक्टिंग की तरफ जाना चाहती हैं, फजीला ने भी कहा है कि मैं एक्टिंग करूँगी, है ना? इतनी उदास क्यों तुम फजीला? अभी रुखसती का टाइम करना नहीं है मेरे बच्चे, अभी तुम उदास ना हो। और ये बेसिकली हाँ, जन्नत ने कहा कि इकोनॉमिस्ट बनेगी, तो देखते हैं कि आगे ये हमें कहाँ कहाँ नजर आती है। बेस्ट ऑफ लक आप चारों को इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच वकार, और आपके लिए बहुत मुबारकबाद, आपने अपग्रेड किया अपने सैलून को। बिल्कुल बिल्कुल, और नई चीज़ें हैं, नई सर्विसेज भी हैं। हाँ। और जो मेरे क्लाइंट्स देख रहे हैं इस वक्त, तो वो अब सैलून खुल गए हैं, लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो अब वो आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये था आज का हमारा शो, उम्मीद है आपको मजा आया होगा, मुझे इनसे बात करके बहुत मजा आया और मेकअप्स देखकर। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।